Shivai and welcome all to this 10th session of this advanced rush course. हम discussion कर रहे थे 45 energy fields की. I think हमने कुछ energy fields cover कर ली थी last class में S8 तक, but फिर भी मैं उसका आप लोगों को recap बता देता हूँ. जब भी आप किसी भवन को डिग करेंगे सेंटर ऑफ द हाउस से, किसी भी लैंड को या किसी भी भूमि को, जब हम फाउंडेशन स्टोन ले करते हैं या उसका शिला निवास करते हैं, तो हम सेंटर ऑफ द हाउस यानी कि जो भ्रम स्थान है उसमें डिगिंग करते हैं. जैसे हम डिगिंग करते हैं उसकी, तो वहां ब्रह्मा जी की एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ही बोला था, जो कि इस वास्तु पुरुष मंडल का सेंटर पॉइंट है. आपने बहुत सारे ऐसे भवन देखे होंगे जिनकी कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं होती है, वो इस कारण है, या कोई बंजर जमीनें होती हैं बड़ी पॉश एरिया में, वहां कोई भवन का निर्माण ही नहीं हो पाता. तो वहां बेसिकली आप पाएंगे कि ब्रह्मा की एनर्जीज एक्टिवेशन में नहीं है, इसलिए वो बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाता. तो जब भी आप डिगिंग करेंगे या फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे, तो ब्रह्मा जी की एनर्जीज एक्टिवेट हो जाएंगी. उसके बाद जब आप 4-4 फीट वॉल बनाते हैं चारों तरफ, और ये पुराने जमाने में जो हमारा ब्रह्मस्थान होता था, ये कोर्टयार्ड होता था घर का, ओपन टू स्काई होता था, और यहाँ तुलसी जी का पौधा लगा दिया जाता था, और ये आंगन होता था. बेसिकली यहीं पर ही लोग बैठ के पुराने जमाने में अपना सारा बातचीत करते थे. इसको हमेशा लाइट रखना होता है, इस एरिया को. तो जब हम 4-4 फीट की दीवारें बनाते हैं, तो जो नॉर्थ साइड की अगर दीवार जब 4 फुट की बन जाती है, बुधर एक देवता होते हैं, जो नॉर्थ फेस होता है ब्रह्मा जी का, वो एक्टिवेट हो जाते हैं. उनके एक्टिवेशन से कोई भी जो कार्य होता है आपका, वो आपकी लाइफ को या उस कार्य को मैनिफेस्ट करता है. इट स्टार्ट्स विदाउट बुधर एनर्जी, आप किसी कार्य को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये ब्रह्मा जी का नॉर्थ फेस होता है. उसके बाद जब हम ईस्टर्न साइड की वॉल बनाते हैं, तो यहां अरेयामा एक देवता होते हैं, जो सोशल कनेक्शंस आपके कराता है. तो जो भी आपकी लाइफ में जो आइडिया आए हैं, या जो भी आपके मैनिफेस्ट कराया आपने किसी भी प्रोसेस को चालू करने के लिए, उसकी सोशल कनेक्टिविटी, वो अरेयामा का देवता का काम है. इसको हम ईस्ट फेस ऑफ ब्रह्मा बोलते हैं. उसके बाद जो साउथ फेस है, उसको विश्वांग बोलते हैं. ये क्या करता है कि ये जो एनर्जीज होती हैं, जो सोशल कनेक्टिविटी की होती है, और जो भी आपने चीजें स्टार्ट करी होती हैं, उसको ये एनहेंस करता है, यानी कि उसको इंक्रीज करता है. जो विश्वांग
का काम है, इस एनर्जीज को एनहेंस करना है और आपको नेम और फेम भी देना है, ये भी इस देवता के अधीन है। अगर नेम एंड फेम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप विश्वान को देखेंगे, उस एनर्जी फील्ड को। इसको हम साउथ फेस ऑफ ब्रह्मा जी बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट 4 फुट की दीवार होती है, वहां जो देवता होते हैं वो मित्रा होते हैं, और मित्रा इज द वेस्ट फेस ऑफ ब्रह्मा जी। जो मित्रा का काम है, ये जितनी चीजें बुधर हरियामा विश्वान से आपको मिली है, इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना लाइफ लॉन्ग, इनको मेंटेन करना, आपके नेम फेम स्टेटस को, आपका जो कार्य चालू हुआ है उसको सबको मेंटेन करने का काम, आपकी सोशल कनेक्टिविटी का काम, आपके नेम फेम का काम, उसको ये स्टेबिलिटी देता है। अगर आपके यार दोस्त आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब मित्रा जो एनर्जी देवता है, फील्ड है, जो साउथ फेस है, सॉरी जो वेस्ट फेस है ब्रह्मा जी का, वो कहीं ना कहीं एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। तो आप मित्रा को चेक करेंगे, पिछली बार मैंने ये बोला था। अब उसके बाद जब आप दीवार 8 फुट की आपकी हो जाती है, तो मैंने उस वास्तु पुरुष मंडल के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से आपको बताया था कि यहाँ दो दो और एनर्जी फील्ड्स यानी कि देवताज एक्टिवेट होते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं वो अपा होता है और अपावस्ता होता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, जब आप 8 फुट की वॉल वहां बनाते हैं, तो सविता और सावित्री ये दोनों एक्टिवेट होते हैं देवता। जब आप साउथ वेस्ट में बनाते हैं तो आपके इंद्रा और जया एनर्जी फील्ड्स एक्टिवेट हो जाती हैं। जब आप नॉर्थ वेस्ट की दीवार 8 फुट की बना देते हैं तो राज आत्मा और रुद्रा ये दोनों एनर्जी फील्ड्स एक्टिवेट हो जाती हैं। जो काम अपा का है, जो आपकी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी फील्ड है, उसका काम है आपको हेल्थ और इम्यूनिटी और औषधि प्रोवाइड करना। वो रिकवरी का देवता है, आपकी इम्यूनिटी का देवता है। और जो अपावस्था है, जो भी आप न्यूट्रिशंस लेते हैं या जो भी आप हीलिंग के लिए दवाई देते हैं, वो सारे बॉडी पार्ट्स को वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। तो वो बताता है कि आपको ये फूड जो आप खा रहे हैं या ये जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी इससे रिकवरी होगी या नहीं होगी। फिर जो साउथ ईस्ट के जोन के जो देवता हैं, वहां दो देवता आते हैं, सविता और सावित्री। जो सविता है ये हर एक चीज को क्विक स्टार्ट करता है, कोई भी कार्य आपका अचानक एकदम हो जाए वो काम सविता का है। जो सावित्री है या सविता, सविता का काम है आपका किसी भी कार्य को किक स्टार्ट करना, और सावित्री का जो काम है, ये एक राक्षस देवता है, इसका काम है कैश लिक्विडिटी आपको देना, ये इस देवता के काम है। तो जो भी आपकी कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, आप साउथ ईस्ट को चेक करेंगे, और सविता जो देवता है ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी कैश लिक्विडिटी का। अगर ये इम्बैलेंस होगा या इसकी जो जोन बड़ा होगा या कम होगा, तो आपको कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। साउथ वेस्ट में दो एनर्जी फील्ड्स हो जाती हैं एक्टिवेट, जया और इंद्रा। जया देवता का काम है आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, और ये आपको सक्सेस दिलाता है। इंद्रा का काम है आपके जीवन में सेविंग्स लाना, स्टेबिलिटी लाना। और इसके इंद्र देव के पास एक स्पेशल पावर भी है,
ये है जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती हैं। अगर वो इंद्र की एनर्जी फील्ड्स बढ़ा देंगी और साउथ वेस्ट में ज्यादा टर्म पर बैठेंगी तो वो कंसीव कर लेंगी। उसके बाद फिर नॉर्थ वेस्ट में जब आप 8 फीट की वॉल बना देते हैं तो यहाँ रुद्र देवता की एक्टिवेशन हो जाती है। रुद्र महादेव का रुद्र रूप है, आंखें तो बंद है, क्रोधित है, बट बंद आंखों से भी ये सब चीजें देख सकता है। फिर राजा आमशा एक और एनर्जी फील्ड है नॉर्थ वेस्ट की, ये भी एक्टिवेट हो जाती है जब आप 8 फुट की वॉल बनाते हैं। ये कोई व्यक्ति काम करे जा रहा है, रुकता ही नहीं है, तो रोकने का काम, हर काम को आपको आराम देने का काम, आपको स्टॉप करने का काम, वो ये देवता का है, राज्य आमशा का काम है। अगर ये नहीं होगा तो आप दिन भर रात भर काम ही करते रहोगे, आप आराम ही नहीं करोगे। तो इस देवता का काम है आपके वर्क को रोकना, आपको रिलैक्स कराना। उसके बाद ये हमारे 13 देवता इसमें हो गए हैं वास्तु पुरुष मंडल में। बाकी 32 हमारी एंट्रीज होती हैं, ये पिछली बार मैंने डिस्कस करी थी। राइट हैंड साइड से अगर हम चालू करते हैं तो शिखी N1 होता है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। ये आपका सर वाला हिस्सा होता है, सबसे ज्यादा हीटेड एरिया आपके सर के सेंटर में होता है, इसलिए शिखी बांधते थे, यानी कि जिसे हम चोटी बोलते थे वो बांधते थे। तो जब भी जैसे चाणक्य जी ने अपनी चोटी खोली या द्रौपदी ने अपने बाल खोले तो कहीं ना कहीं युद्ध हुआ और प्रॉब्लम्स आई। तो बेसिकली जो आप अगर पोनीटेल बांधोगे तो ये शिकी की एनर्जी है। शिकी क्या है कि आपके अवचेतन मन में जो भी आइडिया आता है वो सबसे पहले शिकी से जनरेट होता है। कोई भी आपकी विचार धारणाएं आती हैं उस शिकी से जनरेट होता है। अगर आपका घर की एंट्रेंस E1 जोन में होगी तो आप पाएंगे कि उस घर में आगे ज्यादा लग जाती है, एक्सीडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये एंट्री E1 की आपको अवॉइड करनी चाहिए। फिर हम दूसरी E2 पे आ जाते हैं, जो एनर्जी फील्ड है प्रजन्या। ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर की है। यहां क्या होता है कि लड़कियां ज्यादा होती हैं उस फैमिली में और मेल्स कम होते हैं। यहां अगर E2 जोन में आपकी एंट्रेंस होगी घर की तो आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होंगे और अननेसेसरी बेवजह के एक्सपेंसेस होंगे। तो यहां भी एंट्रेंस आपको अपने घर की नहीं रखनी चाहिए। इसकी जो डायरेक्शन है E2 की ENE है। उसके बाद और ये जो प्रजन्या है, ये जो भी आइडिया आता है आपके अवचेतन मन में, उस आइडिया को एनहेंस करने का, क्लैरिटी देने का काम प्रजन्या का है। तो अगर आप इस जोन में बैठेंगे तो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगी, इट विल गिव यू क्लैरिटी ऑफ योर थॉट प्रोसेस। जो भी आपके अवचेतन मन में आइडिया आया है उसको इम्प्लीमेंटेशन आप इस एनर्जी फील्ड से या इस देवता के थ्रू आप कर सकते हैं। ये बेसिकली फर्टिलिटी का भी जोन है, अगर आप देखेंगे वास्तु पुरुष मंडल में। उसके बाद जयंत देवता N3 जोन में मिलते हैं, सॉरी E3 जोन में मिलते हैं। और जो E3 जोन है इसकी डायरेक्शन भी ENE है। ये
वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी एंट्रेंस है, बड़ी ऑस्पिशियस एंट्री है। यहाँ से मनी और प्रॉफिट और गेन्स आते हैं। अगर आपकी एंट्री यहाँ होंगी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज इन द ईस्ट जोन और वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज इन वास्तु। सो वेरी गुड एंट्रेंस इफ यू हैव योर एंट्रेंस इन द E3 जोन इन फ्रॉम द वास्तु पुरुष मंडल। फिर आता है महिंद्रा, जो जयंत का काम है, जो भी आपके अवचेतन मन में शिखी में आया है। प्रजन्या ने आपको एनालिटिक पावर दी है, मीन्स गिविंग यू फोकस, हाउ यू विल कंसंट्रेट ऑन दैट आइडिया दैट हैज कम इन। सो जयंता विल टेल यू दैट इट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कैन व्हाट एन आइडिया सर जी। एंड जयंता विल ऑल्सो टेल यू कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगा। तो ये सीक्वेंसेस हैं इन देवताओं की। ऐसे ही जो अगला देवता आता है वो E4 आता है हमारा, इसकी डायरेक्शन ईस्ट होती है। ये आपकी कनेक्शंस बनाता है, आपकी ग्रोथ बनाता है और ये आपको गवर्नमेंट के फेवर्स दिलाता है और ये आपकी गवर्नमेंट और पावरफुल कनेक्शंस बनाता है। किसी को अगर टिकट नहीं मिल रही है इलेक्शंस में, तो आप महिंद्रा एनर्जी को इम्बैलेंस पाएंगे। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में उसके महिंद्रा एनर्जीज को बैलेंस कर देंगे, तो उस व्यक्ति को इलेक्शन की टिकट भी मिल जाएगी। वो सोशल कनेक्टिविटी का और गवर्नमेंट का है। तो अगर इसी सीक्वेंस ऑफ थॉट्स में हम चले, जो हमें आइडिया शिकी से आया, प्रजन्या ने उस पर फोकस दिया और बोला कि इट इज अ जोन ऑफ फर्टिलिटी ऑल्सो, और जयंता ने सक्सेस दिलाया और बोला कि व्हाट एन मिलियन डॉलर क्वेश्चन इट इज। तो महिंद्रा इसको एक्सपेंशन देता है। महिंद्रा कहता है कि हम पूरी मार्केट पे, पूरी ग्लोब पे राज करेंगे अगर ये हम अपना आइडिया इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये जो एंट्री E4 की है आपकी घर की, वास्तु पुरुष मंडल में, एक बहुत अच्छी एंट्री है। यहाँ पे आप अपने घर की एंट्रेंसेस बना सकते हैं। जितने भी ये 32 देवताज हैं, ये सारी एंट्रीज हैं कि आपकी कौन सी एंट्री में आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था। मैं बस एक रिपीटिशन कर रहा हूँ इन 16 एनर्जी फील्ड का, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद हम और 16 ले लेंगे एनर्जी फील्ड्स, और फिर हम उसके बाद मैं आपको हाउस एक्टिवेशन बता दूंगा और मैं आपको डायग्नोस कैसे करते हैं इन देवताज की रिस्ट वॉच पद्धति से। जो भी हम बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो E4 और E3 आर द बेस्ट एंट्रीज इन द ईस्ट जोन। उसके बाद E5 आता है, जो सूर्य की एनर्जी होती है, सूर्य देव होते हैं यहाँ। अगर आपकी एंट्रेंस E5 की हो जाएगी, यानी कि ईस्ट जोन में हो जाएगी, यहाँ पाएंगे कि लोग बड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं, फायरी नेचर के होते हैं, इनके पास फार साइटेडनेस होती है, दूर की सोच सकते हैं, बट इन लोगों के पास कंट्रोल नहीं होता। ये एग्रेशन और एंगर में रहते हैं, इनके परिवार वाले। और जो मेल्स होते हैं स्पेशली डोमिनेटिंग होते हैं और ये एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं। उसके बाद जो अगली एनर्जी फील्ड आती है वो सत्या की आती है, E6 में। इसकी डायरेक्शन है ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट। ये आप पाएंगे कि अगर आपकी एंट्रेंस E5 में भी एंट्रेंस नहीं बनानी चाहिए आपको, तो क्यों एग्रेशन एंगर ये सब आपको पाते हैं घर के व्यक्तियों के साथ। अगर आप E6 में, जो सत्या है देवता, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर एंट्रेंस बनाएंगे, तो आप पाएंगे कैसे घर के लोग ना फॉल्स कमिटमेंट करते हैं और ये जो भी कमिटमेंट करते हैं, इनकी कमिटमेंट कभी भी ये ऑनर नहीं करते। ऐसे लोग ट्रस्ट करने के लायक नहीं होते और ये हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ भी वास्तु पुरुष मंडल में ये एंट्रेंस भी अच्छी नहीं मानी जाती।
उसके बाद E7 में वृष देवता आते हैं, इनकी भी डायरेक्शन ईस्ट साउथ ईस्ट है। ऐसे व्यक्ति आप पाएंगे इस परिवार के बड़े मूडी होते हैं और ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना सोचते समझते नहीं है। इनका मन करा कि आज हिल स्टेशन पे जाना है, छुट्टियों पे जाना है, तो ये छुट्टी पे निकल जाएंगे, चाहे व्यापार का जो मर्जी हो या इनका बॉस अगर नौकरी कर रहे हैं जो मर्जी बोले। ये बड़े मूडी लोग होते हैं और ये गलत डिसीजन लेते हैं, तो इस जोन में भी एंट्रेंस मना है। उसके बाद वृष देवता के बाद जो E7 में थे, E8 की एंट्री आती है। ये अंतरिक्ष या आकाश देवता होते हैं, इसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है। यहां आप पाएंगे कि जो मेल चाइल्ड होते हैं घर के, उनको गलत आदतें पड़ जाती हैं। वो अपने माँ बाप के विरुद्ध जाके कोई ना कोई कार्य करते हैं, वो गलत मार्ग पे चले जाते हैं। जो भी मेल चाइल्ड या मेल सदस्य होंगे, अगर आपकी एंट्रेंस E8 की होगी तो कभी भी, जैसे साउथ ईस्ट में हम बोलते हैं कि भैया लाल बल्ब लगा दो, अगर आपके बार चार्ट्स में वो ऑलरेडी एनर्जी इतनी बड़ी हुई है और आपने लाल बल्ब लगा दिया तो ओवर पावर हो जाएगा वो वाला जोन। तो यहां आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये वाली जो एंट्री है ये बहुत वर्स एंट्री है E8 की। इस एंट्री में आपका घर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो जो ईस्ट जोन है हमारा, उसमें जो बेस्ट डायरेक्शंस हैं वो E3 और E4 की। अच्छा, आकाश या अंतरिक्ष में एक और प्रॉब्लम आती है कि यहां अगर आपकी एंट्री बनती है तो आप पाएंगे कि एक्सीडेंट्स, चोरियां होना घर में, फाइनेंशियल लॉसेस होना, ये आमतौर पे आपको इस घर के मेंबरों के साथ होता हुआ दिखेगा। और यहां चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी होंगे इस एंट्री में आपके। तो ये हमारी E8 या E-जोन की सारी एंट्री थी। इसमें से बेस्ट एंट्रीज जो आप सेलेक्ट करेंगे E3 और E4, यानी कि E3 में जयंता देवता और E4 में महिंद्रा देवता की एंट्रीज आर दी बेस्ट। उसके बाद S1 चालू होता है जिसकी अनिल एनर्जी फील्ड होती है और ये साउथ ईस्ट होती है। तो साउथ ईस्ट की एंट्री है, दोनों खराब होती है। क्या लिख रहे हैं राजीव, डू यू हैव सम फोटोग्राफ्स डिपिक्टिंग दीज ऑल एनर्जी फील्ड्स? चलो मैं आपको PPT ही दिखा देता हूँ, बट ये ऑलरेडी PPT में, आप अपना जरा कैमरा ऑन कर लीजिए तो मैं आपको ये PPT ही शेयर कर देता हूँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच प्लीज। बट आप कैमराज अपना ऑन करके रखिए। राइट सर। ये क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, ये बस मैं आपको ये एंट्रीज के बारे में बता रहा हूं, ठीक है? तो इसमें
जो आपको ब्रिशअप था E7 में, नहीं हम थे E7, हाँ ब्रिशा, इसके बारे में मैंने बोला था, प्रॉब्लम्स और डिस्कम्फर्ट्स हैं, बड़े मूडी लोग होते हैं यहाँ और वो काम करने से पहले कुछ सोचते नहीं है, ये एंट्री भी अच्छी नहीं मानी जाती इस जोन में। उसके बाद हमारी आकाश या अंतरिक्ष आता है, जब आपका कोई काम नहीं हो रहा हो और स्टक हो रहा हो और कोई चीज आगे मूव नहीं कर रही हो, तो ये आकाश या अंतरिक्ष या E8 साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम है। यहां कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, वो व्यक्ति आर नॉट एबल टू कोप अप विद द पीपल एंड दे सफर लॉसेस, चाइल्ड बर्थ इश्यूज आ रहे हैं, ये सब इस जोन की प्रॉब्लम है, इस देवता की प्रॉब्लम है। और आप पाएंगे अगर आप यहाँ लाल बल्ब लगा देंगे साउथ ईस्ट में, जो बोला जाता है वास्तु में, और बार चार्ट में आपकी इसकी एनर्जीज ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो तबाही मच जाएगी आपके घर में, एक्सीडेंट्स होंगे, बलगरी होगा, फाइनेंशियल लॉसेज होगा। इट इज द वर्स्ट एंट्री इन वास्तु, साउथ ईस्ट की दोनों एंट्री है वर्स है, एक आकाश की और एक अगला जो देवता अनिल की, तो इन दोनों की एंट्रीज वर्स है। उसके बाद S1 आ जाता है, वो भी साउथ ईस्ट है, यानी कि ये जो आग लगी होती है, जो लॉसेस होता है, इसको फायर दे देता है, ये विंड है। तो जो भी प्रॉब्लम आती हैं उसको ये मैनिफेस्ट करता है एंड इट टेक्स इट अहेड। जो प्रॉब्लम्स आपको आकाश या अंतरिक्ष आती है उसको बढ़ाता है अनिल, ठीक है। तो इसमें जो नेगेटिविटी होती है, घर के जो सदस्य होते हैं, जो मेल मेंबर्स होते हैं घर के, वो अपने पेरेंट्स के विरुद्ध काम करते हैं और वो रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और वो घर के परिवार के अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड गलत एक्शंस में चले जाते हैं। अगर आपको ये राजीव जी ये देखना है ना, आप इस की शायद आपको पहले भी ये PPT मैंने दी हुई है, ये देखिए यहां से आपका E1 चालू होता है, ये E2 है, ये E3 है, ऐसे चलते चलते ये NL है, ये आपका S1 तक है। तो आप इस चार्ट को रेफर करिए, अभी हम ये सारी एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं जो दिति तक खत्म होगी। ब्रह्मा मैंने डिस्कस कर दिया, बुधर मैंने आपको बता दिया, मैंने अरियामा आपको बता दिया, विश्वान मैंने आपको बता दिया, मित्रा मैंने आपको बता दिया कि ये चार मुख हैं ब्रह्मा जी के, चार फेसेस हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट फेस है ब्रह्मा जी का। उसके बाद जब 8 फीट की वॉल बनती है तो आपके अपा अपावस्था और अपा ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, ये आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया है जोन का, सविता और सवित्रा ये आपका साउथ ईस्ट जोन है, इनके भी मैं आपको एट्रीब्यूट्स इन देवताओं के बता चुका हूं। और फिर साउथ वेस्ट जया और इंद्रा है, और रुद्रा और राज्य आमशा जो देवता है ये नॉर्थ वेस्ट के हैं, ये एनर्जीज है, ये आपके 13 एनर्जी फील्ड्स किसी भी भवन में एक्टिवेट हो जाती है जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो 4 फीट तक और 8 फीट तक, और जब आप फाउंडेशन स्टोन ले करते हो किसी भी भवन या निर्माण का, या भूमि पूजन करते हो, तो ब्रह्मा जी की एक्टिविटीज ब्रह्मा जी वहां एक्टिवेट हो जाते हैं। तो शिकी से हम चालू हुए थे, अभी हम अनिल पे थे, अनिल के बारे में ये एंट्री, इसमें जो बेस्ट एंट्रीज हैं आपकी जयंता है N3 और महिंद्रा है N4, दीज आर द बेस्ट एंट्रीज इफ यू गॉट योर एंट्रेंस ऑफ द हाउस इन दीज टू एंट्रीज, दीज आर द बेस्ट। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। उसके बाद अब हम चलते हैं अनिल पे, जो S1 की एंट्री थी,
तो मैंने इस एंट्री के बारे में बताया, ये नेगेटिव इफेक्ट होता है मेल मेंबर्स पे जो घर के होते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं विरुद्ध जाके करते हैं अपने माँ बाप के, और ये गलत डायरेक्शंस में जाते हैं। उसके बाद जो एंट्री, जो एक और एनर्जी फील्ड होती है वो होती है पुष्पा, वो S2 की होती है, उसकी डायरेक्शन साउथ साउथ ईस्ट होती है, ये साउथ ईस्ट होती है। तो दिस इज ऑल्सो अ वर्स एंट्री टू हैव इन योर हाउस। बाकी ये मैंने लास्ट टाइम अनिल और आकाश के बारे में आपको बताया था, इस स्लाइड को आप यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड, आई विल नॉट बी रिपीटिंग दिस। उसके बाद पुष्पा है, ये माँ का स्थान है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पोषण देने वाला है, मदर्स डिवाइन पावर है। और यहाँ ये जो भी व्यक्ति सर्विस कर रहा है या जॉब में है उसके लिए एंट्री बहुत अच्छी है। अगर आप अपनी S2 जोन में साउथ साउथ ईस्ट में घी मक्खन या तेल वगैरह रखेंगे तो यहाँ अच्छा रहेगा। अगर आपके पास, जैसे मैंने बोला था, कोई कंसर्न आता है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, या बार बार प्रेगनेंसी के टाइम में अबॉर्शन हो रहे हैं, तो ये इस देवता की जो पुष्पा है उसकी प्रॉब्लम है, आपका पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो ये इस देवता की प्रॉब्लम है। आपके पास सेल्फ सफिशिएंट, आपका सेल्फ सफिशिएंट एटीट्यूड नहीं है, तो ये भी इस देवता की प्रॉब्लम है। ये आपको जो एनर्जी फील्ड इंडिविजुअल को सेल्फ सफिशिएंट एटीट्यूड देता है। अगर इस डायरेक्शन में आपकी एंट्री होगी तो अगर आप जॉब कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, तो या फिर किसी MNC या किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे, तो ये सर्विस क्लास और जॉब रिलेटेड लोगों के लिए अच्छी एंट्री है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप दरवाजा इस साइड रख देते हैं, अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, यू लूज योर एटीट्यूड टू ग्रो। आपको तो पता है भैया मेरे को नौकरी ही करनी है, तो नौकरी वालों के लिए और कोई सर्विस क्लास के लिए ये एंट्री अच्छी मानी जाती है। फिर S3 की एंट्री आती है, ये साउथ साउथ ईस्ट की एंट्री है, ये अच्छी एंट्री है। यहाँ प्रॉस्पेरिटी आती है, ये व्यक्ति को स्मार्ट इनफ बनाती है ये एंट्री कि वो अपना काम करा सके, और ये खुशियों के लिए, जॉय के लिए और सक्सेस के लिए एंट्री बहुत अच्छी है। तो ये विधाता एंट्री है, ये जोन है, दिस इज गुड, यू कैन हैव योर डोर हियर। बट यहाँ क्या है कि पैसों के लिए व्यक्ति शॉर्टकट तरीके अपनाता है और गलत तरीके भी अपनाता है। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। उसके बाद गृष आष्ट देवता हैं, ये S4 के हैं। ये जो देवता हैं, ये फैक्ट्री ओनर्स जो होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं,
उनके लिए ये एंट्री बहुत अच्छी रहती है। और यहां आप पाएंगे कि अगर आपकी एंट्री S4 जोन में होती है, ये एंट्री में आपको घर में एक मेल चाइल्ड या मेल संतान होती जरूर है। यहाँ इस एंट्री में S4 में ये भी एक अच्छी एंट्री है। अगर आपके पास, वैसे तो साउथ की एंट्री हम बुरा ही बोलते हैं, बट फिर भी अगर आपके पास साउथ ही फेसिंग है तो आप E3 या फिर E4 में आप एंट्री अपनी बना सकते हैं घर की। तो इट इज वेरी गुड फॉर बिजनेस ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और यहाँ पे फैमिली में नर संतान होती ही होती है, एक मेल चाइल्ड की प्राप्ति होती है। उसके बाद यम, यमराज है, नाम ही है, गॉड ऑफ डेथ है। यहाँ अगर आप इस जोन में अपनी एंट्री बना देंगे जो S5 है, तो लोगों के ऊपर कर्जा बहुत चढ़ जाता है और ये व्यक्ति अपनी स्किल्स यूज नहीं कर सकते एंड दे मेक ह्यूज लॉसेस। तो ये एंट्री भी यम वाली बड़ी डेंजरस एंट्री है। तो यहाँ लॉस ऑफ मनी होता है, या अगर आप इस डायरेक्शन में भी ज्यादा बैठेंगे अपने घर के S5 में, तो आप पाएंगे कि आपके कर्जे बढ़ जाएंगे, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे और आप लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी स्किल्स नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उसके बाद जो S6 की एंट्री होती है, वो साउथ साउथ वेस्ट होती है। गंधर्व देवता होते हैं, जो गंधर्व देवता हैं वो इंद्र देवता के म्यूजिशियंस होते हैं, यानी कि वो उनके म्यूजिशियन थे। तो अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर वो X6 जोन में, गंधर्व देवता के जोन में अगर अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखेगा या वाद्य यंत्र रखेगा, तो उसको नेम फेम आएगा खाली म्यूजिशियंस के लिए। या वहां बैठ के रहस्य करेगा, अपना रियाज करेगा, तो उसको कामयाबी मिलेगी। वरना ये एंट्री वेस्ट की है, मतलब ये वेस्ट का जोन है, साउथ साउथ वेस्ट है ये। मतलब कि जो नीचे स्लाइड है S6 एंट्री, ये साउथ साउथ वेस्ट है। तो ये आपको पॉवर्टी लाती है, अगर ये जोन छोटा रहेगा तो व्यक्ति बहुत वर्कहोलिक रहेगा, वो अपनी फैमिली को, जैसे मैंने बोला था कि वेकेशंस पे नहीं लेके जाएगा, अगर एक्सटेंडेड होगा ये हमेशा ना वे करता रहेगा, लेट गो करता रहेगा, अननेसेसरीली ही विल वेस्ट थिंग्स एंड दिस वेस्टेज, अननेसेसरी वेस्टेज विल नॉट ब्रिंग ग्रोथ इन हिज लाइफ। तो अगर आप इस जोन में सोएंगे भी SSW के, आपकी जो एनर्जीज हैं वो वेस्ट होंगी, आपकी जो एनर्जीज हैं आप वेस्ट फुल एरियाज में लगाएंगे, जो कार्य आपको करने नहीं है उसमें लगाएंगे, जो मेन कार्य है उसके लिए आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। सो दिस इज द मेन रीजन दैट दिस एंट्री इज नॉट एडवाइजेबल। अगर आप कलाकार हैं या कोई म्यूजिशियन है, अगर आपका बाथरूम यहाँ हो जाएगा तो आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। तो दिस विल बेसिकली ब्रिंग पॉवर्टी इन द हाउस।
उसके बाद S7 की ब्रिंगराज की एंट्री आती है, ये भी साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री है। यहाँ ब्रिंगराज को किंग ऑफ हेयर ऑयल भी होता है। इट इज यूज टू प्रिवेंट अबॉर्शंस और मिसकैरेजेस होते हैं के लिए ये एंट्री होती है। ये एंट्री आपको लॉस ऑफ मनी देती है, आपको रिलेशनशिप इश्यूज देती है और लॉसेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको इस एंट्री से मिलता है। तो ये भी एंट्री SSW की मना की जाती है कि आप इस एंट्री में कोई कार्य करें। यहां व्यक्ति डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, इनके जो प्रोफेशनल और जो घरेलू रिलेशनशिप्स आते हैं वो वेस्ट में चले जाते हैं एंड दे फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर पीपल। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बैड एंट्री इन टर्म्स ऑफ द वास्तु। तो यहाँ लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ रिलेशनशिप और लॉस ऑफ एवरीथिंग होता है एंड अ वेरी एंट्री, वेरी बैड एंट्री फॉर योर हाउस इफ यू गॉट योर डोर हियर। बट इट इज गुड फॉर अ टॉयलेट टू बी हियर। अगर आप टॉयलेट बना देते हैं इट इज अ गुड, क्योंकि वो वेस्ट होता है तो सारा वेस्ट वहां चला जाएगा। ये S7 था ब्रिंगराज की। उसके बाद लास्ट हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस करा था वो S8 की एंट्री करी थी SW की। यहाँ व्यक्ति ना बड़ा रूड हो जाता है और यहाँ जो एटीट्यूड होता है व्यक्ति का वो बड़ा ही एक्सट्रीम वाला एटीट्यूड होता है और इस एटीट्यूड की वजह से वो व्यक्ति डिस्कनेक्ट रहता है वर्ल्ड वर्ल्ड से एंड वर्ल्डली चीजों से, विच लीड्स टू हिज फाइनेंशियल लॉसेस एंड रिलेशनशिप हार्डशिप्स। और ये वैसे भी SW राहु देवता की एनर्जी या वो एंट्रेंस है, उनकी डायरेक्शन है। तो हियर यू विल फेस मनी लॉसेस एंड रिलेशनशिप लॉसेस। इट इज ऑल्सो अ वेरी बैड एंट्री। यहाँ आपके साथ सडननेस होती रहेगी, कोई ना कोई चीज आपके साथ सडननेस होती रहेगी। व्यक्ति अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट रहेंगे, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट रहेंगे। ये एक ना अपने ही ओवर परसेप्शन एटीट्यूड में रहेंगे, राहु के भ्रम में रहेंगे इस फैमिली के लोग। सो दे विल फील डिस्कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दे विल हैव लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मनी एंड रिलेशनशिप बोथ। सो अगेन अ वेरी बैड एंट्री। ये जो देवता है मृगा है, उसके बाद पित्रा है W1 की एंट्री। यहां से आज हम चालू करेंगे। इसकी जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट है। ये जो आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स अस द लाइफ एंड एंश्योर्स ऑल कंफर्ट्स। ये हमारी पीढ़ियों को बढ़ाती है, लीनियज को बढ़ाती है। ये हमारी फैमिली में लव और बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। ये जो पितर है, ये जो उनकी एनर्जी फील्ड है, ये हमें एडवर्स सिचुएशन में भी लड़ने की शक्ति देती है, प्रोवाइड्स अस दी स्ट्रेंथ। कोई अगर आपका टॉयलेट इस डायरेक्शन में होगा साउथ वेस्ट में, तो कोई भी आपकी संतान पैदा होगी आप पाएंगे कि उसकी कुंडली में पितृ दोष माना जाएगा, यानी कि राहु या फिर जो जुपिटर के जो और एनिमी प्लैनेट्स होते हैं वीनस मरकरी और राहु, या तो सेकंड हाउस में पाएंगे या फिफ्थ हाउस में पाएंगे या नाइन्थ हाउस में पाएंगे या उसको 12th हाउस में पाएंगे। तो वो पितृ दोष की कंडीशन मीट हो जाती है।
अगर आपका इस जोन में एंट्रेंस होगी, ये आपको एबिलिटी टू फाइट देता है एडवर्स सिचुएशंस में, और आप ये जो डायरेक्शन है पितृ, ये आपकी लॉन्जिविटी को, लॉस ऑफ एज को, आपकी आयु कितनी है, लंबी है छोटी है, ये देवता के अधीन है। और ये जो साउथ वेस्ट की एंट्री है W1 की पितृ की, ये भी राहु देवता की एनर्जी है। सो दिस विल लीड टू योर पुअर फाइनेंशियल कंडीशन एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये एंट्री अगर होगी तो घर के सदस्यों को लाइफ शॉर्ट मिलेगी। इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो मैंने बता ही दिया। इस एंट्रेंस से अगर W1 यानी कि साउथ वेस्ट जोन में होगी तो आपको इस एंट्रेंस से नेगेटिविटी, फाइनेंशियल पोजीशन और शॉर्ट लाइफ स्पैन मिलेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट एंट्री राहु देव की होती है। और यहाँ डेथ्स इन दी फैमिली भी आपको अचानक आई जाएंगी, क्योंकि जब लाइफ शॉर्ट होगी तो मौतें भी ऐसे परिवार में इस एंट्रेंस में ज्यादा होगी। और इस डायरेक्शन में अगर एंट्रेंस होगी, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी, तो आप यहां एंसेस्ट्रल फोटो लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जो वास्तु ट्रेडिशनल के हिसाब से है, पुत्र को पीड़ा की डायरेक्शन है। उसके बाद हम आते हैं द्वारिक। ये W2 की एंट्रेंस है, जो कि ये एंट्रेंस वेस्ट साउथ वेस्ट की है। द्वारिक के नाम से ही आपको पता चलता है कि द्वारपाल है या फिर डोर कीपर है। ये जो द्वारिक है, ये एक असुर देवता है, यानी कि एक असुर है। ये हाईली नॉलेजेबल है, और विष्णु भगवान का जो द्वारपाल था वो द्वारिक ही था। ये जो देवता है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी नॉलेज के लिए, जो भी आप ग्रास्पिंग पावर है आपकी, ये जो द्वारिक देवता है ये आपको ग्रास्पिंग पावर देता है, ये आपको फिल्टर लगा देता है आपके उस ग्रास्पिंग पावर में। तो बड़ा ही ये नॉलेज का देवता है, क्योंकि ये द्वारपाल है विष्णु भगवान का, और ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी शिक्षा की, आपकी एजुकेशन की, आपकी नॉलेज के बेस को बढ़ाने के लिए, आपकी रिटेंशन ऑफ मेमोरी जो बच्चों में रहती है उसके लिए भी ये देवता रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको इवैल्यूएशन बताती है किस चीज में आपको एनर्जी डालनी है या किस चीज में आपको एनर्जी नहीं डालनी है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स इस डायरेक्शन में रख देंगे, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी। ये वाली जो द्वारिक एनर्जी फील्ड है वेस्ट साउथ वेस्ट, ये आपकी सेविंग्स को भी बढ़ाती है। अगर ये एनर्जी फील्ड इम्बैलेंस होगी तो आपको सही और गलत में परख करने की पावर नहीं होगी, आप की जो डिसीजंस लेंगे वो बैड हो जाएगी या बेकार हो जाएगी।
ये वाली डायरेक्शन आपके कैरियर में आपको अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि तो आपके जीवन में लैक ऑफ क्लैरिटी और विजन रहती है अगर ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होती है। अगर आपको कोई चीज याद रह जाती है, तो अगर आपकी ग्रैस्पिंग पावर, वही मैं बोल रहा था, अच्छी है, तो यहाँ द्वारिक एनर्जी फील्ड आपकी ठीक है। रेमेडी क्या है इसकी? नंदी बेल आती है विद वो जो तिजोरी होती है, आप अपनी तिजोरी इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। आप कोई पिगी बैंक जो आप अपनी गुल्लक रखते हैं यहाँ रख सकते हैं। किसी आप विलेज सीन की फोटो लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो आपका जो धन होगा वो आपके शत्रुओं से, आपके नोटोरियस लोगों से बचा रहेगा। ये जो डायरेक्शन है ट्रेडिशनल वास्तु में आपको बड़ा भी बनाता है और शत्रु भी बड़े होते हैं इस डायरेक्शन में अगर आपकी एंट्रेंस होगी। और ये डायरेक्शन इनस्टेबिलिटी देती है आपको करियर में, आपको इनसिक्योरिटी इन लाइफ देती है, लैक ऑफ क्लैरिटी और विजन देती है। ये द्वारिक की है। उसके बाद हम सुग्रीव आते हैं, W3 की एंट्री, बहुत बढ़िया एंट्री है। जैसे रामायण में सुग्रीव जी ने राम जी की मदद करी थी सीता जी को वापस लाने के लिए, तो अगर आपकी W3 की एंट्री होगी वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो दुनिया के हर लोग आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ये जो एनर्जी फील्ड है आपको बताती है क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। अगर आपको घर खरीदना है तो आप इस डायरेक्शन में एक विलेज सीनरी लगा दीजिए, गांव की फोटो लगा दीजिए अगर आपको घर खरीदना है। अगर आपको कुछ समझना है तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के अपनी किताबें रख दीजिए, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ये जो अगर आप इसकी एंट्री बनाएंगे, ये जिमिंग के लिए एप्ट एंट्री है, जिम्स के लिए। कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप उस बच्चे को इस डायरेक्शन में सुग्रीव की W3 यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठा दीजिए, वो पढ़ने लग जाएगा। अध्यापन का स्वामी है, आपको अचीवमेंट देता है। आप सुग्रीव की भी डायरेक्शन में वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हैं, बट आप स्पोर्ट्समैन, आप कोई एथलीट या आप कोई कुश्ती प्लेयर, यानी किसी तरह से आप स्पोर्ट्स का संबंध नहीं होना चाहिए, तो आप बाथरूम इस जोन में नहीं बना सकते। ये बहुत अच्छी एंट्री है, वेस्ट जोन की अमेजिंग ग्रोथ मिलती है, प्रॉस्पेरिटी होती है आपको हर फील्ड में, और दुनिया का हर व्यक्ति आपकी मदद करने को तैयार रहता है और आपको बड़े अच्छी रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है अगर आप इस एंट्री में अपना घर बनाएंगे। सुग्रीव, इट इज अ गुड एंट्री। पुष्प दंता W4 की एंट्री है, वेस्ट डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन है ये व्हीकल ऑफ कुबेर है और ये एंट्री भी अच्छी मानी जाती है। ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्लूमिंग गिव्स कंटिन्यूअस ग्रोथ इन लाइफ, वो इस देवता का काम है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वास्तु द एलिफेंट उज्जैन और लक्ष्मी रिसाइड हियर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अस्सा लक्ष्मी। पुष्प दंत
सेल्स पर्सन था गंधर्व का, जो गंधर्व देवता म्यूजिशियन थे उनका ये सेल्स पर्सन था, और ये शिव माहिम इसको बोलते हैं। ये जो उनसी एंट्री है, अगर आपके घर की एंट्री यहाँ हुई है, खुशियां लाती है आपके जीवन में और आपको सेटिस्फेक्शन देती है, व्यक्ति सेटिस्फाइड होते हैं यहाँ। तो इसमें जो आप रेमेडी कर सकते हैं, अष्टा लक्ष्मी की पिक्चर लगा सकते हैं, पुष्ट दंत की पिक्चर लगा सकते हैं, ये डायरेक्शन शनि की होती है क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपको वेस्ट जोन है, गेन्स थ्रू बिजनेस दिलाता है। व्यक्ति इस घर के जो सदस्य होते हैं बैलेंस रहते हैं, उनकी जीवन में स्मूथ लाइफ चलती है और वो सेटिस्फाइड रहते हैं। इस एंट्री से आपको प्रॉफिट एंड गेन्स आते हैं। आपको अगर इच्छा पूर्ति करनी हो, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी होता है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही हो, तो आप एक व्हाइट पेपर पे येलो पेन से, येलो यानी कि इंक से, आप अपनी इच्छा लिख दीजिए और आप उस डायरेक्शन में रख दीजिए। आपकी इच्छा जो भी आप करेंगे वो अवश्य पूरी होगी। तो ये एंट्री पुष्ट दंता की बहुत अच्छी एंट्री है, ये आपको कंटिन्यूस ग्रोथ देता है। तो वेस्ट जोन में W3 सुग्रीव देवता और पुष्ट दंता यानी कि W4 की अच्छी एंट्री है, मानी जाती है वेस्ट में। उसके बाद वरुण देवता आते हैं। वरुण देवता जो रामायण में जो समुन्दर था जिससे लॉर्ड राम गए थे सीता जी को लेने लंका, वो जो नदी जो समुन्दर था वो वरुण था, और कृष्ण जी के काल में भी जो ये वरुण था, ये जो वरुण देव थे, ये यमुना रिवर थी जिसमें किशन जी को एक टोकरी में रख के उनके जन्म के टाइम पे कंस उनके जो मामा थे उससे बचाने के लिए इसी में ही वरुण में ही डाला गया था। अगर आपका बेडरूम या लिविंग रूम इधर होगा, व्यक्ति को जिंदगी में पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। बट ये तब वरुण आपको गेंद देगा जब पुष्ट दंत जो हमारा W4 था, और असुर जो W6 एक एनर्जी आएगी इसके बाद, वो दोनों संतुलन में हो, तो आपको वरुण देव भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। ये वरुण देवता काफी इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है इस वास्तु पुरुष मंडल में, क्योंकि ये जो देवता है ना, ये आपको एक ओवर एक्सपेक्टेशन देते हैं। ऐसे व्यक्ति को और ही और चाहिए होता है। अगर ऐसे व्यक्तियों के पास आप 20 करोड़ पे भी दे दो, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। ऐसे व्यक्ति और ही और चाहते रहते हैं, ओवर एम्बिशन होते हैं, क्योंकि तो 11वां घर हमारा एम्बिशंस का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है, तो इनकी इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है। तो अगर आपकी एंट्री इस जोन में होगी तो आप पाएंगे उस घर के सदस्य ना बड़े ओवर एम्बिशियस होंगे, और ये ओवर एम्बिशंस, ओवर एक्सपेक्टेशंस इनको जिंदगी में प्रॉब्लम में ले आएगा, क्योंकि हर एक चीज ये ज्यादा ही ज्यादा पाएंगे। दे नेवर हैव दैट सेटिस्फेक्शन इन देम। और जो वरुण है, ये इंद्रदेव देवता इनके
गुरु है वरुण के, ही इज कंट्रोल्ड बाय इंद्र। उसके बाद W6 की एंट्री आती है, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री होती है, ये असुर देवता है या असुरी बोलिएगा इनको, नाम से ही डेमन है। ये जो व्यक्ति को जो एनर्जीज देते हैं, मतलब व्यक्ति में जो सीधा साधा चाम नहीं होता है, इस व्यक्ति के पास कोई मायावी चाम होता है, माया विद्या होती है, कोई ना कोई अलग विद्या होती है। ये जो जोन है, ये स्पिरिचुअलाइजेशन का जोन है और रियलाइजेशन का जोन है। असुर देवता इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी माइंड को रिलीज करना, जो भी आपकी इच्छाएं हैं फ्रॉम योर टेम्पटेशंस, अगर ये बैलेंस रहेगा तो आपको जीवन में ग्रोथ मिलेगी। ऐसा अगर आप W6 में एंट्री रख लेंगे तो व्यक्ति इस घर के सदस्य डर डर के जीते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन होती है और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। जो असुर देवता है ये डिप्रेशन का जोन है। WNW इज द जोन ऑफ डिप्रेशन। तो आप पाएंगे व्यक्ति जो इस घर के हैं वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर आपका बेडरूम भी यहाँ होगा तो भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि तो आप बेडरूम में 8-9 घंटे कम से कम बिताते हैं, सो यू विल गो टू बेडरूम। तो इसमें एडवाइस करी जाती है W6 जोन में, यानी कि W W.W. में आप अपना टॉयलेट बनाइए ताकि आपकी डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिल जाए। तो ये के वास्तु की रेमेडी, अगर क्योंकि डिस्पोजेबल का जोन आ जाएगा वास्तु में, तो टॉयलेट अगर आप बना देंगे सो यू विल फ्लश आउट योर डिप्रेशन फ्रॉम दिस जोन। उसके बाद शोषा आता है W7 में, ये भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है, ये आपके इमोशंस को ड्राई अप कर देता है, फीलिंग्स को ड्राई अप कर देता है, ये आपको डिटॉक्सिफाई आपकी नेगेटिव इमोशंस करता है और आपको रिलैक्सेशन देता है। और ये व्यक्ति को ना एक रिसर्चर बनाता है ये वाला जोन। तो यहाँ भी टॉयलेट एडवाइजेबल है। अगर ये जोन इम्बैलेंस रहेगा तो व्यक्ति बड़ा लो फील करेगा, कोई ना कोई उसके बाद जो भी नेगेटिव इवेंट हुए होंगे उसको लेके ही विल हैव अ ब्रेक डाउन एंड ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप। अगर बैलेंस्ड रहेगा ये वाला जोन तो वन विल रिस्टोर टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, मीन्स टू रिलैक्स। जो डिप्रेशन है वो असुर देवता का है, शोषा देवता में डिप्रेशन नहीं आता है। तो आप पाएंगे कि अगर W7 में आपकी एंट्रेंस होगी तो ये रिसर्च वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ अगर आप टॉयलेट बनाएंगे तो जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं वो ड्रेन डाउन हो जाएंगे। आपका अगर बेडरूम W नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि WNW में है, तो WNW W6 की भी असुर की भी डायरेक्शन होती है जहाँ डिप्रेशन आती है, तो आप अपने बेड को ना शिफ्ट कर दीजिए शोषा W7 की तरफ, यानी कि शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स वेस्ट नॉर्थ वेस्ट।
तो अगर आप शोशा W7 की तरफ अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट कर देंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगी। ये शोशा देवता थे। उसके बाद पापा यामशा बड़ा इम्पोर्टेंट देवता है, W8 का है। ये एडिक्शन का देवता है। अगर आपकी W8 यानी कि नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस होगी घर की और ये इम्बैलेंस होगी तो आप पाएंगे कि घर में लोग एडिक्शन के शिकार होते हैं, शराबें चलेंगी, ड्रग्स होंगे, जनरल हैप्पीनेस चली जाएगी, खुशियां चली जाएंगी, अनफेयर और लॉफुल अनलॉफुल मींस अपनाएंगे अपने प्रॉफिट्स एंड गेन्स के लिए। इनका एक ही जीवन में फंडा होता है, हम तो दुखी हैं और किसी को सुखी नहीं देख सकते हैं। अगर आपका डोर मेन डोर किस एंट्रेंस में होगा, आप अपनी जो नेगेटिविटी है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप अपने खर्चे यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड दिस विल लीड टू एडिक्शन एंड रॉन्ग मीन्स ऑफ अर्निंग मनी बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो अगर आप इस जोन में ज्यादा टाइम बिताएंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी क्योंकि ये पाप यामशा राहु देवता की एनर्जी है। और आप दूसरे व्यक्तियों में ना गलतियां ही ढूंढते रहेंगे, अच्छाइयां नहीं ढूंढेंगे उस व्यक्ति में, आप गलतियां ही ढूंढते रहेंगे। ये आपको गिल्ट फीलिंग भी देती है अगर आपकी W8 यानी कि नॉर्थ वेस्ट में एंट्री होगी, आपकी माइंड को भी वीक करती है। तो रेमेडी डियर है इसकी, वो आप ब्रास के डियर रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो वो रेमेडी आप कर पाएंगे। तो जो हमारा W1 से लेके W8 तक था, हमारी इसमें जो उनकी दो बेस्ट एंट्रेंसेस वो W3 की थी, सुग्रीव देवता की, और पुष्ट दंत की जो W4 की ये एंट्री थी। सुग्रीव की एंट्री W3 यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट, और पुष्ट दंत की W4 यानी कि वेस्ट की एंट्री थी। अब रोगा पे आते हैं, ये North 1 की डायरेक्शन है। ये आपको शक्ति प्रदान करती है रोग से यानी कि बीमारी से एंड मेक्स यू स्ट्रांग। ये आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। अगर आप स्टोरेज या इन्वर्टर इस डायरेक्शन में रखेंगे तो ये आइडल रहता है। अगर आप अपना घर का द्वार इस डायरेक्शन में बनाते हैं और ये जोन डिस्टर्ब हुआ या एक्सटेंडेड हुआ तो आपको बीमारियां ऐसी लग जाएंगी जो आपकी जान भी ले सकती है, यानी कि लॉन्ग टर्म आपको थ्रेटनिंग ऑफ लाइफ हो सकता है, आपको बीमारियां लॉन्ग टर्म लग सकती हैं, ला इलाज बीमारियां लग सकती हैं। आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगी अगर ये जोन वीक हो गया अपनी बीमारी से लड़ने की, और बीमारी का मतलब है बोथ बॉडीली एंड फाइनेंशियली। तो यहाँ आप जो रेमेडी यूज कर सकते हैं, आप अशोका के पिलर्स कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए आप पहाड़ों की पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ,
आप हीप्स ऑफ पेटल्स रख सकते हो, पत्थरों की पत्थर रख सकते हैं इस जोन में। चैट रेमेडी का क्या है S8 की और SW1 की? पितृ मिग्रह द्वारिका नॉर्थ। अभी दिनेश जी मैं आ रहा हूं, जो जो आपने लिखा है ये पहले मैं सारी एनर्जी फील्ड्स कर लूं, उसके बाद में आपके जो भी अगर प्रश्न होंगे मैं बता दूंगा। तो आप पाएंगे कि इस एनर्जी फील्ड में जो घर के सदस्य होते हैं वो इफेक्टेड रहते हैं बैड इंटेंशंस ऑफ अदर पीपल एंड एनिमिटी रहती है, और इस घर में जो रोगा एंट्री होती है अगर ये इम्बैलेंस होगी तो आपके परिवार के सदस्य ही आपके दुश्मन बन जाते हैं इस एनर्जी फील्ड से, जो कि N1 की ये एंट्री है। ऐसे लोग मतलब कि बैड इंटेंशंस रखते हैं। N2 की एंट्री नागा देवता की है, जो अट्रैक्शन की एंट्री है, और ये जो एंट्री की डायरेक्शन है ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, ये अट्रैक्ट करती है। जैसे मैंने बोला था कि आप दालचीनी यानी कि सिलेमन खाएं, वो इस नाग देवता का आहार होता है, खाना होता है। तो अगर ये बैलेंस रहेगी नाग देवता, तो ये आपको जो अपोजिट सेक्स है वो आपके प्रति अट्रैक्टेड रहेगा, डिजायर और लस्ट प्रोवाइड करती है, और ये आपको एंजॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आप दरवाजा N2 में बनाएंगे, ये जेलेसी एनिमिटी और बिटरनेस लाता है। ये जोन ऑफ कामदेव है एंड द जोन ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप बेड नॉर्थ नॉर्थ W में लगाएंगे यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे तो आपकी सेक्सुअल क्रेविंग बढ़ जाएगी, अर्ज बढ़ जाएगी। आप अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे अपने ऑफिस में तो लोग आपके प्रति अट्रैक्टेड होंगे। आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप उस प्रोडक्ट को अपने ऑफिस के या अपनी फैक्ट्री के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डिस्प्ले करिए, पीपल विल बी अट्रैक्टेड। ये नाग देवता की एनर्जीज है जो अट्रैक्शन की एनर्जीज होती है। N2 जोन है ये और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है। मुख्य केयर टेकर नाम से N3 है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, बड़ी अच्छी डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से। ये बहुत ज्यादा धन लाती है, वेरी गुड एंट्रेंस। और इस एंट्रेंस अगर आपके घर की होगी तो आपको मेल चाइल्ड भी मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द N3 की जो एंट्रेंस है, वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंसेस एज पर वास्तु। द हेड ऑफ द फैमिली प्रोवाइड्स एनर्जी विद हेल्प इन मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्पस ऑफ बिल्डिंग स्पेस एंड हाउस। यानी ये कहने का अर्थ ये है, जो भी मुखिया होता है घर का वो एनर्जीज प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव एनर्जीज उस घर में प्रोवाइड करता है। और ये जो मुखिया होता है ज्यादातर मेल्स होते हैं तो उनको ज्यादा इफेक्ट करता है देन वुमेन। ये आपकी स्किल्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आप अपनी
चीजें या औजार इस मुख्य देवता के जोन में रख देंगे तो आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी। अगर ये एनर्जी बैलेंस रहती है, व्यक्ति बड़े ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, इस घर के टाइम बाउंड रहते हैं, समय के पाबंद रहते हैं, और मेल्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड हियर, तो इसकी जो रेमेडी है, अगर ये इम्बैलेंस है, आप एक पिरामिड लगा सकते हैं। अगर आप के साथ जो और लोग हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, N3 की एंट्रेंस मैंने बोला कि बहुत ज्यादा धन लाती है, बहुत अच्छी है आपकी मेल चाइल्ड बर्थ के लिए, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंसेस इन वास्तु। बल्लाट N4 की एंट्रेंस बहुत अच्छी एंट्रेंस है, बार बार देता है ये धन, यानी कि धन की वर्षा करता है। अगर आपकी एंट्रेंस N4 में होगी तो ये व्यक्ति को ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति फैमिली के कुछ बड़ा सोचते हैं, और जो ये बल्लाट है, ही इज द केयर टेकर ऑफ कुबेर, यानी कि गार्डियन ऑफ कुबेर। अगर आपका मेन एंट्रेंस इस जोन में होगी, N4 में, यानी कि नॉर्थ जोन में, आपको अबंडेंस ऑफ वेल्थ आएगी। रेमेडी इसमें आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, ग्रीन सीनरी लगा सकते हैं, या कोई पिरामिड लगा सकते हैं। अगर आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए तो ये जो देवता है बल्लाट, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दिला सकता है, क्योंकि बल्लाट जो बुधर का काम है, ये आगे उसकी एक्सटेंशन है। तो कोई भी चीज को शुरू करने का काम, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, वो बुधर के पास आएगी, और उसके आगे बल्लाट उसकी एक्टिवेशन करेगा। तो ये एंट्री नॉर्थ में बहुत अच्छी एंट्री मानी गई है। उसके बाद हम आते हैं सोमा पे, N5 नॉर्थ है। इस एंट्री को हम चंद्रमा का घर भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड देता है, व्यक्ति को बचाता है उसके प्रॉफिट्स अपने शत्रुओं से, और चीटिंग नहीं होने देता। अगर बल्लाट है पर सोमा काम नहीं कर रहा है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो N5 की भी एंट्री अच्छी मानी जाती है। जितने भी ये जोन्स हैं, E5, W5, S5, N5 का काम ऑब्जर्वेशन, देखना, खुद नहीं करना, ये ऑब्जर्व करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी जोन सी सोमा को आएगी, वो देखेगी, मतलब ये अपॉर्चुनिटी विल कम फ्रॉम सोमा। बल्लाट पहले उस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करेगा, इट विल स्टार्ट। अगर सोमा और बल्लाट दोनों एनर्जी फील्ड्स बैलेंस्ड हैं आपके, आप कोई भी अपनी फील्ड क्रिएट कर सकते हैं जहां से भर भर के पैसा आएगा आपके पास,
बेशुमार धन की बारिश होगी अगर आपकी ये दोनों N4 और N5 अल्लाह डोसोमा बैलेंस्ड रहेंगी। अगर आप दरवाजा यहाँ रखेंगे तो पार्टनरशिप टूट जाती है, आपको लोग बोलेंगे कि अकेले ही काम करना पड़ता है, किसी के साथ नहीं चल सकता, मैं अकेला ही चलूंगा। बट इट इज अ वेरी गुड एंट्री इन N5 जोन। ये व्यक्ति को ना रिलीजियस बनाता है, काम और नॉन एग्रेसिव बनाता है। तो बेसिकली आपको कामनेस, स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ और रिलीजियस एटीट्यूड, ये एंट्री आपको देती है, और पीस ऑफ माइंड भी, ये एंट्री मन की शांति भी N5 से आपको मिलती है। N6 नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भुजंग, मतलब कि ये जो उनसे देवता है, ये प्रिजर्वर है ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, मोस्टली प्रिफर्ड फॉर हेल्थ। ये आपका सेफ गार्डियन है, या सेफ गार्ड आपकी हेल्थ को करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ है। भुजंग एक स्नेक को बोलते हैं। अगर दरवाजा यहाँ होगा, वेरी वेरी फैंटास्टिक बिहेवियर होगा, एग्रेसिव होंगे घर के लोग, डिस्टर्ब रहेंगे सांप की तरह, और इरिटेटिंग बिहेवियर रहेगा। अगर आपकी एंट्रेंस N6 में होगी, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगी, बाप बेटे में बनेंगी नहीं, बेटे की दुश्मनी होंगी, तो व्यक्ति आपको बोलेंगे पैसा आता है बट मन की शांति नहीं मिलती है। जो भी समाज के संबंध होते हैं उनको ऐसे फैमिली मेंबर्स संभाल नहीं पाते, तो ये भी आपको प्रॉब्लम देखेगी, देखने को मिलेगी। N6 अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर देता है सोसाइटी में, और लोग इनसे ना बातचीत करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से जिनकी एंट्रेंस North 6 यानी कि NNE की होती है। क्योंकि ये व्यक्ति ना बड़े शक्की हो जाते हैं, ये बड़ा सुपरस्टिशन हो जाता है, हर चीज पे, हर छोटी चीज पे इनका शक रहता है। तो इन शक की वजह से दुनिया इनसे बात नहीं करना चाहती, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होते, इनको से शक्की का नाम, और सुपरस्टिशियस लोग होते हैं इस घर के जो सदस्य होते हैं। सो पीपल डोंट वांट टू टॉक टू देम बिकॉज ऑफ देयर सुपरस्टिशियस नेचर। फिर हम आते हैं अदिति S7 नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये पीस मेकर है, ये परफेक्शन देता है, सॉफ्टनेस देता है। एक इंडिविजुअल को अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। ऐसा व्यक्ति रेस्टलेस और नर्वसनेस आ जाती है, बेचैनी आ जाती है। इस व्यक्ति का जो दिमाग होता है हमेशा कोई ना कोई कार्य से हॉन्टेड होता है, जो फियर का होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसको फियर क्रीपिन होती है अगर ये बैलेंस अदिति इम्बैलेंस हो जाएगी। और ये व्यक्ति डायरेक्शन लेस हो जाएगा। ये जो अदिति है देवता, मदर ऑफ 7 वासुओं की माँ है, ये आपको गिल्ट फ्री करती है। जैसे माँ गिल्ट फ्री करती है, वैसे अदिति भी आपको गिल्ट फ्री करती है।
ये आपको एक ऐसी पावर देती है दीदी, आपके कॉन्शियस माइंड में, कि आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे। यहां आप पाएंगे कि जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़की होती हैं इस परिवार की, वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन से हटके चीजें करती हैं। इनका कैरियर इन लड़कियों का इतना अच्छा नहीं होता है, बट ऑफ बीट पैसा होने पर ऐसी स्त्रियों में दोष पाया जाता है। पैसा तो होता है, ये जो फीमेल्स होती है इस घर की, बट उनमें कोई ना कोई दोष पाया जाता है। तो ऐसे अगर एंट्रेंस होगी N7 में, तो आपके घर की जो लड़की हैं या जो फीमेल्स हैं, आपके फैमिली और ट्रेडिशन के विरुद्ध जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं द्विती पे, ये आपको एबिलिटी देती है हाँ या ना बोलने की, एबिलिटी टू से नो, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम N8 यानी कि द्विती का है, विजनरी बनाता है। आपके 10 बैंक अकाउंट्स हो, उन बैंक अकाउंट्स को बढ़ाने का काम, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम द्विती का है। यह आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अगर आपका द्वार यानी कि एंट्रेंस N8 नॉर्थ ईस्ट में होगी, हायर बैंक बैलेंसेस देता है, आपको स्पिरिचुअलिटी भी देता है। इस घर की जो फीमेल्स होती है बहुत पावरफुल होती है, बहुत सक्सेसफुल होती है। ये जोन आपको स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी देता है। 3 S's का जोन है। तो बैंक बैलेंस बढ़ना हो तो आप द्विती को देखेंगे N8 में। अब जो बेस्ट जोन है, जैसे अभी हम नॉर्थ जोन की बात कर रहे थे, अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 लेके, तो 32 देवता है। ये N27 देवता जो मुखिया है यानी कि N3 में पड़ता है। दिस इज अ गुड एंट्रेंस नॉर्थ में। N28 यानी कि N4 बल्लाट इज अ गुड एंट्रेंस। N29 यानी कि N5 सोमा इज अ गुड एंट्रेंस। ये 3 एंट्रेंसेस नॉर्थ में अच्छी मानी जाती हैं आपकी घर के लिए। ई जोन में E3 और E4 यानी कि जयंता और महिंद्रा की एंट्रेंसेस अच्छी मानी जाती है। साउथ में जो S11 यानी कि E3 जोन होता है, विधाता, और S12 यानी कि S4 रियास्ट, ये अच्छी एंट्री मानी जाती है। वेस्ट जोन में W20 यानी कि W3 सुग्रीव की एंट्री अच्छी मानी जाती है। W21 यानी कि पुष्गंत यानी कि जिसको हम W4 की एंट्री बोलते हैं, ये अच्छी मानी जाती है। तो ये अब आपके एंट्रीज हो गई हैं। अब इसके बाद मैं आपको चार्ट को डायग्नोज करने के लिए बोलता हूँ। जी दिनेश जी, क्या सवाल है आपका? यस सर, हेलो आपका आपका कोई सवाल था? सर। एक्चुअली मेरा सवाल था, जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई भेजी थी उसकी, मैं मतलब उसकी कौन से देवता है और उसकी मतलब क्या रेमेडी है। जैसे मेरा जो घर का फेसिंग है वो मतलब S8 और West 1 के बीच में, इन बिटवीन आता है। अपना एक बार वीडियो ऑन करें, मैं भी आपको ना ये स्लाइड और दिखाता हूँ।
इसमें कौन सा देवता आप कैसे चूज करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। ठीक है सर। एक मिनट रुकिए यार, ये मैंने आपको शायद स्लाइड ना ये पहले दिखाई थी, मैं फिर दिखा रहा हूं आपको। जो ये 45 देवता है ना हमारे, ये किसी ना किसी प्लेनेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर ठीक केतु है, केतु के साथ जो ये एनर्जी फील्ड्स है, ब्रिंग राज है, ठीक है। ये S7 की एंट्री होती है, साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री होती है। फिर आता डी है वरुण। डी ठीक है। मैंने शायद पिछली स्लाइड में ये सब एंट्रीज और डायरेक्शन नहीं लिखे थे, बट मैंने स्लाइड में आपके लिए डायरेक्शंस और एंट्रीज भी लिख दी हैं ताकि आपको सहूलियत रहेगी। तो केतु का आप वरुण है, एक और एनर्जी फील्ड W5 की है, वेस्ट की है। दिति है N8 की, नॉर्थ ईस्ट की है। अपावस्था है जो नॉर्थ ईस्ट में गवर्न करती है। उसके बाद महिंद्रा की एनर्जीज आती हैं, सॉरी शुक्र की एनर्जी यानी कि वीनस की आती है, जो सबसे पहले देवता है। ये E4 के महिंद्रा है यानी कि ईस्ट डायरेक्शन है। फिर अनिल आता है जो S1 है, साउथ ईस्ट है। पुष्पदंत है जो W4 है यानी कि वेस्ट डायरेक्शन है। बुलार है जो नॉर्थ फेस है ब्रह्मा जी का, और सविता है जो साउथ ईस्ट है। ये शुक्र की देवताज हैं जो इससे एसोसिएटेड है, और असुर जो एसोसिएटेड है। फिर आता है सूर्य, सूर्य के साथ जो देवताज एसोसिएटेड है, सूर्य देव खुली है, E5 की एंट्री है, ईस्ट है। सत्या है जो E6 की एंट्री है, ई साउथ ईस्ट है। विधाता है इसमें जो S3 की एंट्री है, साउथ साउथ ईस्ट की एंट्री है। सोमा है जो N5 की एंट्री है यानी कि नॉर्थ की एंट्री है। दिति है जो N7 की एंट्री है यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। और इंद्रदेव है जो साउथ वेस्ट को गवन करते हैं। उसके बाद चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा में जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो शिकी है, E1 की है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। आकाश है, E8 है उसकी एंट्री, ईस्ट साउथ ईस्ट है। असुर है जो चंद्रमा से रिलेटेड है, जो W6 की एंट्री है, और ये जो एंट्री है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की है। भुजंग है N6 की है जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है। और रुद्र है जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। मंगल आ जाता है, इसकी जो सबसे पहले देवता जो एसोसिएटेड है मुखिया है, N3 की, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। राज अक्षमा नॉर्थ वेस्ट है। अपा नॉर्थ ईस्ट है। और अरे यामा जो वेस्ट फेस है, ब्रह्मा जी का। अरे यामा इज नॉट द वेस्ट फेस, अरे यामा इज द ईस्ट फेस। ये थोड़ी करेक्शन है, अरियामा ईस्ट फेस है ब्रह्मा जी का। चलिए उसके बाद राहु देव की एनर्जी फील्ड्स है, रजन्या है, ये E2 में आती है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आती है। यम आती है S5 में यानी कि साउथ होता है। पितृ आता है W1 में यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। द्वारिक होता है जो W2 की डायरेक्शन होती है, वेस्ट साउथ वेस्ट। पापांचा W8 यानी कि नॉर्थ वेस्ट होती है। नाग देवता N2 की डायरेक्शन जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होती है। जो जुपिटर की होती है वो जयंता होती है, N3 की डायरेक्शन है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होती है। ब्रह्मा होता है,
इसके एक और एनर्जी फील्ड यानी कि सेंटर ऑफ द पॉइंट है, सेंटर ऑफ द हाउस है यानी कि आपका भ्रम स्थान है। ये जुपिटर के दो देवताज होते हैं, जयंत और ब्रह्मा। जो शनि के देवताज होते हैं, जो एनर्जी फील्ड होती है, पुष्पा होता है, ये S2 में आता है, साउथ साउथ ईस्ट में आता है। गंधर्व आता है S6 जोन में, साउथ साउथ वेस्ट होता है। रोगा होता है जो नॉर्थ N1 में आता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। बल्लाट होता है जो N4 होता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन नॉर्थ होती है। बल्लाट इज द नॉर्थ फेस ऑफ, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो जया होती है जो साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन होती है। फिर मित्रा होती है जो वेस्ट फेस होता है ब्रह्मा जी का। उसके बाद बुध आता है यानी कि मरकरी आता है। विश्वान, विश्वान यानी कि साउथ फेस होता है ब्रह्मा जी का। सावित्री यानी कि साउथ ईस्ट होता है। वृषा E7 जोन होता है, ई साउथ ईस्ट होता है। गृहस्थ यानी कि साउथ S4 होता है यानी कि साउथ जोन होता है। मृगा S8 होता है, SW डायरेक्शन होती है। सुग्रीव W3 की डायरेक्शन होती है, वेस्ट साउथ वेस्ट होता है। और शोषा W7 होता है जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है। अब मैं आपको इसको डायग्नोस करना बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो आप उसकी दशा देखेंगे। दशा में आप एडी प्लैनेट को देखेंगे। उदाहरण के तौर पे कि मंगल की दशा चल रही है और मंगल का जो नक्षत्र है वो राहु है, और राहु अगर आपने केपी चार्ट में भी देखा 3, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है, जो कि केपी में ना पढ़ने के नंबर है, फेल होने के नंबर है। क्योंकि तो केपी में जो पढ़ाई के नंबर होते हैं 4, 9, 11 होते हैं, आप लोगों को पता है। तो अब आप राहु देव का मेरे को बताइए, कौन सी ऐसी फील्ड है जो राहु देव की एजुकेशन को दर्शाती है, या कौन सा जोन है? अभी मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे इन सारे देवताओं के, तो आपने कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप घर बैठे बैठे उस व्यक्ति को सल्यूशन दे देंगे। आपको अपना स्कैनर लेके नहीं जाना उसके घर में, आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ कुंडली ली, उसके प्रश्न को देखा, आपने जो भी दशा केडी चल रही है उसके नक्षत्र को पकड़ा, अगर वो प्लैनेट टेनेंटेड है। अगर यूटी है यानी कि अनटेनेंटेड है, तो आप उस प्लैनेट को भी लेंगे, दोनों को लेंगे। तो अब आप मेरे को बताइए, राहु देव की जो ये एनर्जी फील्ड लिखी है, इसमें कौन सी ऐसी एनर्जी फील्ड है जो एजुकेशन को दर्शाती है? चलो देखिए, यहाँ ये मैं आपको एक चार्ट और सिंप्लीफाई करने के लिए देता हूँ। यह एजुकेशन, और वो देखिए कौन सा जोन है, ये नजर आ रहा है एजुकेशन और सेविंग। अब यहाँ कौन सी एनर्जी फील्ड आती है W2 में राहु देव की? द्वारिक आती है, ये देखिए यहाँ द्वारिक आ रही है। W1 पित्र है, W2 कौन सा है? द्वारिक। तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको घर बैठे बैठे ये पता चल जाएगा भैया कि द्वारिक डिस्टर्ब्ड है, इसलिए वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आप इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आप इस जोन की, जैसे मैंने आपको जोन की शेप्स बताई थी, इसकी शेप क्या होती है?
जो ये जोन है आपका, इसकी शेप क्या है, किसी को कोई याद है? इसका मेटल क्या है, इसका कलर क्या है, किसी को याद है? कि नहीं जो वेस्ट डायरेक्शन है हमारी, जो हमने पांच तत्व पढ़े थे, उसका एलिमेंट क्या है? लोहा है, एयर, लोहा है, आकाश है, यानी कि वो, और उसका जो शेप है सर्कल शेप है। तो आपको करना क्या है, आपको एक सर्कल शेप में सरिये को गोल करके उस पे, इसका कलर कौन सा है, व्हाइट और ग्रे है, आपको याद है? तो आपने एक सर्कल शेप में आपने लोहे को गोल सर्कल शेप में बनाना है, उस पे व्हाइट पेंट करना है और इस जोन में रख देना है, द्वारिक में। द्वारिक बैलेंस हो जाएगा, कुछ नहीं करना। जो ये आपको महावास्तु वाले एक एक साल की कोर्स दे रहे हैं, वो यही है। आपने सिंपल और सिंपल दशा देखनी है। अगर दशा 10 साल से वो प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एमडी लॉर्ड को पकड़ोगे। बट ज्यादातर उस एमडी लॉर्ड के रिजल्ट्स जो लॉक करता है, वो तो अंतरदशा करती है ना, तो आप अंतरदशा बिल्कुल लॉर्ड को पकड़ोगे। जो भी अंतरदशा का लॉर्ड होगा उसे पकड़ोगे। अंतरदशा के लॉर्ड को आप पकड़ के उसका एनएल देखोगे, क्योंकि प्लेनेट का रिजल्ट तो उसका नक्षत्र देता है ना, हमें सबको पता, चाहे पराशरी हो चाहे केपी हो। तो हम उस नक्षत्र लॉर्ड के एनर्जी फील्ड को देखेंगे कि कौन सा एनर्जी फील्ड उसके साथ एसोसिएटेड है और वो कौन से जोन में आ रहा है। हम उस जोन में जाएंगे, एंटी एलिमेंट, एंटी कलर, चीजें एंटी उठाएंगे। ऑब्जेक्ट्स हटाएंगे पहले और इसको प्लेस कर देंगे। या फिर हम उस जोन के पेरेंट और चाइल्ड वाला फॉर्मूला जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, उसको ले आएंगे बैलेंस करने के लिए। अब मेरे को बताइए, अगर आप यहाँ गोल रंग का एक आयरन का सरिया व्हाइट पेंट करके अगर आप द्वारिक में लगा देंगे, तो क्या ये बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 में अगर आप इसकी स्थापना कर देते हैं तो पढ़ेगा ना। ठीक तो सिंपल है, इतना ज्यादा मगज नहीं मारना आप लोगों को। अगर सर, कोई मेरे चार्ट से व्यक्ति, देख लो जी कि वो ये, अगर मेरे चार्ट से मैं अप्लाई कर दूं, मुझे जैसे मेरा एक तो बृहस्पति की दशा खत्म हो रही है और शनि की दशा आ रही है, फिर मैं किसको पकड़ूं? देखिए, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप अपना चार्ट देखेंगे दिनेश जी, आपकी जुपिटर की दशा खत्म हो रही है, अभी यस जुपिटर में राहु चल रहा होगा, तो जो प्रॉब्लम सर, आ रही है आपको, जो राहु की देवताज हैं जो जो हैं, उनको आप चेक करिए कौन से जोन में वो देवताज आ रहे हैं जो राहु की हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि तो राहु की एडी चल रही है कोई ना, अब आपकी लास्ट हाँ, जुपिटर में राहु राहुल चल आपको रहा याद है है ना, सर, तो आपको राहु याद की है सर, देखिए ठीक कि आपको क्या आ रही है, है सर। उसको जाके आप ठीक कर दीजिए। अगर कोई आपके पास जैसे कहता है, एक मिनट सुनिए, कोई आपके पास कहता है, आके बोलता है कि मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, ठीक है, बिल्कुल आप उसका मैप देखते हैं, ठीक है, महादशा देख ली, या आपका पैसा ब्लॉक है उदाहरण के तौर पे, ठीक ठीक है, है सर, आपने देखा कि आपकी जुपिटर की महादशा चल रही है, जुपिटर ठीक है का सर, उसमें जो अंतरदशा है वो राहु की है, ठीक राहु का है, और शुक्र मतलब कि उसका एनल बना हुआ है, ठीक है, तो आप कौन से जोन को, मनी जोन को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र की कौन सी एनर्जी है, कौन सा देवता है जो आपको ब्लॉकेज दे रहा है,
बताएं मेरे को। ये देखिए शुक्र में आप देखिए कौन सा देवता है जो आपके मनी को ब्लॉक करता है। अनिल है, S1 यानी कि ये साउथ ईस्ट ऐसा में, ज्यादा तो नहीं। आपको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ ये डिस्टर्ब्ड है, साउथ ईस्ट जोन, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में अनिल देवता आता है। अब साउथ ईस्ट की शेप क्या होती है? ट्रायंगल होती है, होती ट्रायंगल है ना। मेटल क्या होता है? कॉपर। यस कॉपर साउथ ईस्ट का रंग कौन सा होता है? लाल। तो रेड अगर आप ट्रायंगल शेप में कॉपर का एक पीस ट्रायंगल शेप में बनाते हैं, उसको लाल पेंट कर देते हैं और अनिल में लगा देंगे, तो बैलेंस हो जाएगा, आपकी पेमेंट मिलने लग जाएगी जो ब्लॉक्ड है। तो ठीक है। जब फिर तक अगर अगर इन्वेस्टमेंट की हुई वो बैंक लोन हो तो उसके लिए कौन से लोन देखेंगे? बैंक लोन उस पे भी देंगे आता जरा। है, उस पे भी आता है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। ठीक है सर, आपकी थैंक पेमेंट ब्लॉक यू। से तो मिल जाएगी। अगर कोई आपके जैसे बोलता है कि भैया मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, मैंने बैंक लोन ले लिया, मैंने 100 करोड़ रुपए लगा दिया रियल एस्टेट में, मेरा तो पैसा ही फंस गया है। आपने मान लीजिए कर्क लगन है किसी व्यक्ति का, उदाहरण के तौर पे केपी चार्ट में देखा कि कर्क लगन पहले घर में भी आ रहा है और दूसरे भाव में भी आ रहा है, और चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है राहु के साथ कर्क लगन में, यानी कि मिथुन में बैठा है। अब दूसरा घर क्या है? पैसा। 12वां घर क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, राहु के साथ है, ब्लॉकेज, पीस ऑफ माइंड चंद्रमा 12वें घर में देता है। तो आपको इस एक्टिवेशन थ्योरी में करना क्या है? मैंने ये शायद पहले भी आपको एक्टिवेशन कराई थी। अगर हम चंद्रमा को 11वें घर में स्थापना कर देते हैं, ग्यारहवा नॉर्थ घर कर्क लगन में कौन सी डायरेक्शन होती है, कौन सी राशि होती है? टॉरस आएगी। टॉरस अगर हम टॉरस में चंद्रमा के आर्टिकल्स को प्लेस कर देते हैं तो उसको उस इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल जाएगा। आप उसके गले में, दूसरा घर गला होता है, आप चांदी की चेन पहना दीजिए। जो दूसरे घर की डायरेक्शन, मतलब कि 2 नंबर की जो डायरेक्शन आ रही है, वो कौन सी डायरेक्शन होती है टॉरस की? नॉर्थ वेस्ट होती है। अच्छा तो नॉर्थ वेस्ट में या तो आप चावल रख दीजिए, आप व्हाइट कलर कर दीजिए, ठीक है, तो वो चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा। एक ये भी थ्योरी है हाउस एक्टिवेशन की, आपको कुछ नहीं करना वास्तु में, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, आप दशा, अंतर दशा को देखिए। आपको प्रति अंतर दशा के जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रति अंतर दशा पे हवा का झोंका है, जब तक आदमी को समझ में आता हो काम करा के चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने की होती है, 6 महीने से ज्यादा तो प्रति अंतर दशा होती नहीं ना, ज्यादातर नहीं 6-7 महीने मैक्सिमम, एट दी मोस्ट, वो भी शुक्र के अरसे में या फिर शनि के अरसे में जो लंबे पीरियड्स के लिए आते हैं। तो आप लोगों को सिंपली मैप देखना है, जो दशा चल रही है, दशा में NL को पकड़ी है, अंतर दशा के नक्षत्र नक्षत्र लोड नक्षत्र लोड लॉर्ड को पकड़ी है। अगर वो नक्षत्र लॉर्ड, अगर वो प्लेनेट यूटी है, यानी कि अनटेनेंटेड है, तो उसको भी पकड़ लीजिए। उन दोनों के देवता देखिए, जो जो उस जोन में आ रहा है प्रॉब्लम के, उस जोन में जाइए, उस जोन से एंटी एलिमेंट्स,
उठा लेंगे। एंटी कलर हटाइए, उस जोन में उसकी शेप, उसका रंग और उसका मेटल लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको ये नहीं कि उसका टॉयलेट खुलवा देना है, आपका कुछ और करवा देना, कोई जरूरत नहीं। अब एक और, मैं अभी कुछ टाइम पहले कंसल्टेंसी थी, कोई कनाडा में ही था, उसकी प्रॉब्लम थी कि बिजनेस नहीं चल रहा था और उसकी आईज में भी प्रॉब्लम थी, अभी ऑपरेशन हुआ था, तो उसका दशा देखी, एडी लॉर्ड चंद्रमा था और चंद्रमा लेफ्ट आई का कारक है, आप लोगों को पता है, राइट आई का कारक सूर्य होता है। तो अब चंद्रमा की और मतलब कि जो आइडियाज भी आ रहे थे वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं थी, विजन की प्रॉब्लम थी और बिजनेस की भी प्रॉब्लम थी। तो अगर मैं विजन की प्रॉब्लम, आंखों को रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा, तो अब यहां देखिए कि यहां चंद्रमा का कौन सा देवता है जो आपको फार साइटेडनेस दिखाता है, जो आपके अवचेतन मन को गवन करता है, कौन सा ऐसा देवता है? शिकी, शिकी है ना, और चंद्रमा आंखों का भी कारक है, अभी उसका कुछ रेटिना या कुछ चेंज होना था, तो यानी कि शिकी डिस्टर्ब्ड है, सिंपल हमें ये पता में आ गया। तो शिकी की डायरेक्शन क्या है? ईवन जोन, ईवन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है शिकी की। तो हम यहां क्या करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर उसका बाथरूम होगा उसके घर में तो प्रॉब्लम होगी। यस सर, जो भी आइडिया आ रहे हैं वो वेस्ट में चला जाएगा। नॉर्थ ईस्ट है, ब्रह्म एक तरह से मंदिर का स्थान होता है नॉर्थ ईस्ट। तो हम क्या करेंगे, आपका इसका एलिमेंट क्या है आप लोगों को याद है? वाटर का शेप तो वे भी हो गई, एलिमेंट पता है क्या है इसका? वाटर, एल्युमिनियम, एसएस स्ट्रिप्स, ठीक है। तो हम अगर इसका बाथरूम बना हुआ था तो मैंने इसको कहा भैया वो ग्राइंडर लेके ना दीवारों पे एसएस की स्ट्रिप डाल दे, वो जोन कट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और नीले रंग का बल्ब लगा दे। आप देख रहे हो शिकी का यहाँ रंग कौन सा आ रहा, ब्लू आ रहा, वाटर ब्लू। तो आप ब्लू कलर का बल्ब लगा दीजिए। अगर आपने इस एनर्जी को, ग्रीन भी लग सकता है बट हम ग्रीन नहीं लगाएंगे इस जोन में, रीजन बीइंग के जो हरा रंग है ना वो इसको डाउन करेगा। हमने जो उनसी एनर्जी ऐसे स्ट्रिप से करनी है, ब्लू की जोन में ये कलर आ रहा है तो हम ब्लू ही करेंगे, वैसे हमें ग्रीन की भी ऑप्शन है जब हमने किसी एनर्जी को इंक्रीज करना हो, तो हम उसमें स्पॉटलाइट लगाएंगे, जब स्पॉटलाइट ऊपर से लगती है तो पूरे एरिया को कवर करती है, तो आप स्पॉटलाइट भी लगा सकते हैं, बट यहां आप क्योंकि शिकी की एनर्जीज को हमने बैलेंस करना है तो हम एक 0 वॉट का नीले रंग का बल्ब लगा देंगे और एसएस की स्ट्रिप लगा देंगे, मशीन ग्राइंडर से लेकर भैया टाइलों में तो स्ट्रिप लगा दे, वो बाथरूम को बंद कर दे, बैलेंस हो जाएंगे एनर्जीज। यही व्यक्ति का जो व्यापार नहीं चल रहा था, अब व्यापार में हम किसे पकड़ेंगे, कौन से एनर्जी फील्ड को पकड़ेंगे चंद्रमा की, बताओ कोई मेरे को।
कि बिजनेस में अगर प्रॉब्लम आ रही है कोई, याद है चंद्रमा की एनर्जी फील्ड जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा, देखिए यहाँ भुजंग N6 नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो एक तरह से अपॉर्चुनिटी का जोन है, तो हम भुजंग को ट्रीट करेंगे अगर बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर उसकी आंखों या हेल्थ या विजन माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम उस जोन में हम शिकी को ट्रीट करेंगे। तो आपको बेसिकली ना उसकी कुंडली के माध्यम से देखने हैं कि उसके ग्रह कहाँ बैठे हैं। वो ग्रह जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं उनके देवताओं को उठाओ, घर पे बैठे बैठे ही उसका एलिमेंट दे दो जिस जोन का है, उसकी शेप में वो लगा दो, उसका मेटल लगा दो और कलर लगा दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, किसी भी जैसे साउथ आपका हमेशा बड़ा हुआ होता, ऊंचा होता है बोलते हैं वास्तु में, ठीक है। अगर वो डाउन है आपके घर का, तो आप अगर वहां स्पॉटलाइट लगा देंगे तो भर देगा साउथ को, ठीक है ना। लाल बल्ब लगा दो तो सरफेस को बढ़ा देगा वो उस जोन को। तो आपको सबसे पहले एंटी कलर, एंटी शेप, एंटी एलिमेंट हटाना है उस जोन में। उस जोन में आपको उस जोन की शेप लगानी है, उसका कलर लगाना है और उसका मेटल लगाना है। बस ये तीन चीजें करनी है उस एनर्जी फील्ड में, उस व्यक्ति को रिलीफ मिल जाएगा। देखनी क्या है, महादशा अगर लंबे अरसे के लिए वो प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो एडी को ही पकड़ी है। ठीक है, क्लैरिटी हो गई? जैसे मेरे हिसाब से भी जो मेरा बनता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बनता है, जैसे अगर 11th हाउस में मेरा मेरा थर्ड नंबर की राशि है, फिर वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बनता है। क्या बनता है? जैसे आपने बताया कि जैसे किसी की अपनी एग्जांपल ली थी कर्क लग्न की, तो आपने कहा उसको राइस रखने के लिए कहा कि उसको नॉर्थ वेस्ट में रखे, तो मेरा जो बनता है वो 3 नंबर है 11th हाउस, मिथुन राशि है, तो फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट बनता है वो। एक नंबर राशि आएगी ना, अगर आपका मिथुन लगन है, अगर मिथुन सिंह लगन, सिंह लगन आपका सिंह लगन है तो फिर नॉर्थ और वेस्ट आएगी 11 नंबर में। ठीक है, ये जरूरी नहीं, ये तो उसकी कुंडली थी ना। आप अपनी दशा देखिए ना, कौन सी चल रही है कौन सी नहीं चल रही है, कि आपको बिल्कुल कौन वही सा बात। प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है। सबके लिए एक दवाई नहीं होती। नहीं, वो मैं समझ गया। वैसे मेरे राहु की दशा अंतर चल रहा है बृहस्पति में, भाई वो देखो कि तो राहु आप का अंतर चल रहा है, ठीक है। आप राहु को, आपको लाभ चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से। आपने तो पेमेंट देनी है ना बैंकों की, तो बैंकों की पेमेंट तो हम छठे घर से लेंगे ना, लेन देन का भाव तो छठा है ना, तो ठीक है, कर छठे लेता में हूँ आपका लोन। 10 नंबर राशि आ रही है, ठीक ठीक है, है। और 10 नंबर राशि जो उनकी डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन क्या है? साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 ईस्ट है ना। ठीक है सर। अब राहु के देवता कौन से हैं साउथ साउथ ईस्ट में जो डिस्टर्ब होंगे, बताएं आप मेरे को कि देखिए। अभी बता लिखा है ना यहाँ, दूंगा देखिए साउथ के कौन कौन से हैं, सर। इनका मैं मत्स्य और पुष्य, पितरा पुष्य पुष्य पित्रा, यही आ रहा है ना, हाँ पित्रा, हाँ पित्रा, पिता साउथ पिता वेस्ट में आ रहा है आपका पितर आ रहा है।
अगर राहु ही रिजल्ट डिलीवर कर रहा है, ठीक है, तो आप W1 में, यानी कि जो साउथ वेस्ट है, ठीक है, जो आप ये देखिए इस ग्रिड में कि आपके साउथ वेस्ट जोन में या फिर द्वारिक डिस्टर्ब है, द्वारिक का लेना देना पढ़ाई से है, पित्र का लेना देना आपको मैंने क्या बोला था, किस चीज से है, पित्रा की ग्रोथ देता है, लीनियज देता है, आगे बढ़ने की शक्ति देता है, यही लिखवाया था मैंने पित्रा का, यस सर, ये और कुछ भी लिखवाया था पित्र का, पावर, कॉन्फिडेंस, पावर कॉन्फिडेंस देता है, और मैंने क्या बोला था पित्र के, ये लॉस ऑफ मनी देता है पित्र, लॉस ऑफ आयु देता है, फैमिली यस सर, में डेथ्स ज्यादा होती हैं, अगर ऐसा आपको कुछ दिख रहा है कि भैया लॉस ऑफ मनी हो रहा है, फैमिली में डेथ्स कम हो रही हैं और ज्यादा हो रही हैं डेथ्स, ज्यादा हो रही है सर। ठीक है, तो आपका, मैं यहाँ, आप कनाडा में हो, मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं आपका वास्तु के हिसाब से अभी बता देता हूँ कि पित्र एनर्जी आपकी डिस्टर्ब्ड है, तो पित्र को आप ठीक करोगे, और मेरे घर का फेसिंग भी मैंने जैसे जो लिखा था वो वही है, ठीक है, बेस्ट वन और साउथ एट। आपकी बॉन्डिंग कैसी है, जब आपको ये एनर्जी यहाँ पता चल गई पितृ डिस्टर्ब्ड है राहु की, तो आप क्या क्या सवाल पूछोगे, भाई आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ बॉन्डिंग कैसी है, अच्छी है या नहीं है, आप जवाब दीजिए, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड फैमिली में मतलब फैमिली आपके चाचा ताए और ये सब, हाँ तो ठीक है, या सोसो है, कुछ तो बोलेंगे ना, या बहुत अच्छा है, सो सो है, तो यानी कि प्रॉब्लम है, पितृ फिर प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, डेथ ज्यादा हो रही है फैमिली में, तो पितृ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, लॉस ऑफ मनी आ रहा है, तो पितृ को आप जाके ट्रीट कर देंगे, जो वेस्ट की डायरेक्शन है, ठीक है, आपको उस डायरेक्शन में क्या क्या करना है बताइए, आप एक सर्कल लीजिए, आयरन का एक गोल सर्कल बनाइए, वेस्ट का जो मेटल है आयरन है, व्हाइट पेंट करिए और लगा दीजिए पिक्चर में, हो गया काम आपका, बैलेंस हो गई, आपकी पेमेंट रिकवरी हो तो जाएगी, इसके लिए हमें आपका लॉस ऑफ मनी सिर्फ ठीक हो जाएगा, आपके फैमिली में जो डेथ्स तो हुई है वो कम हो जाएंगी, इसके लिए हमें 6 साउथ को पकड़ना है। अगर डेट्स के साथ कंसर्न हो तो 6 साउथ को हिसाब से रेमडी करेंगे। भाई आपने कहा आपकी पेमेंट्स ब्लॉक है, अब पेमेंट ब्लॉक्स, हाँ वो जो चंद्रमा का मैंने एग्जांपल दिया था उसकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक थी, ठीक है, कि आपने बैंक में मेरी भी पेमेंट इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करनी करना है। है, लेन देन का भाव हाँ छठा हाँ भाव पेमेंट है, करनी है। हाँ और चलेगा राहु चलेगा। आप बता रहे हैं उसकी दशा चल रही है एडी में, ठीक है, तो मैंने राहु की एनर्जीज को देखा, जो एनर्जी उससे लेन देन करती थी उस डायरेक्शन में, जो आपकी कुंडली में जो राहु बैठा है उस एनर्जीज उसी डायरेक्शन में मिलेंगी ना उस प्लेनेट की हमें, तो बिल्कुल उसको हमने पकड़ लिया, हमें पता चल गया कि भाई पित्र है, पित्र को ट्रीट कर देंगे, वेस्ट में आ रहा है, सर, इसकी कोई हाइट भी रखनी होती है कि कितनी हाइट पर इसको लगाना है, इस रिंग को? नहीं, आप उस डायरेक्शन में आप या तो ग्राउट करा दीजिए, ठीक है, ओके दीवार पे लगाने की जरूरत नहीं, आप वहां लगा दीजिए, नहीं तो आप जो ये वेस्ट की जो सी ये दीवार आ रही है इसकी पितृ की, ये जो डायरेक्शन थी W1 साउथ वेस्ट में, उस दीवार पे लगा दीजिए सर्दन वॉल पे, ठीक क्योंकि है, उधर दरवाजा है, इस पर वो उस पर हैंग कर सकता हूँ। दरवाजे के नहीं साउथ वॉल पे बनाइए, साउथ वेस्ट वॉल पे लगाइए, ठीक साउथ वेस्ट है, वॉल, ठीक है। तो एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है जी, तो आप ऐसे घर बैठे किसी भी व्यक्ति की वास्तु कर सकते हैं,
जी आप कुछ राजीव जी बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं तो एक्चुअली क्या है कि आप जो बता रहे थे, मतलब ठीक है, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वो ठीक है, पुराना टाइम हो गया, वो थोड़ा सा वेव ऑफ हो गया है माइंड में से, सा काफी कुछ वही पूछना चाहता था कि उसका रिवाइव कैसे कर सकता हूँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। देखिए, आप अपनी महादशा को देखिए, चेक करिए, ठीक है, कि अच्छा आपकी महादशा किसकी चल रही है। अगर लंबे अरसे के लिए उस महादशा में आपका जॉब, आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उस सर, प्लैनेट को देखिए, उसके नक्षत्र लॉर्ड को देखिए, राइट सर, उसकी देवता को देखिए कि उस प्लैनेट के साथ कौन से देवता एसोसिएटेड है। यहां तक राइट पहुंच गए आप? ठीक है जी, उस देवता के जो आपका जॉब है, छठा भाव है जॉब, सर्विस, राइट सर, हाँ जी, परफेक्ट ठीक है, उस राइट एनर्जी सर, फील्ड को देखिए वहां, कि कौन से जोन में आपकी कुंडली के हिसाब से छठे भाव की राशि कौन सी है। अच्छा जी, उस राशि के जोन में आपको वो देवता की एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब मिलेंगी। तो सर नहीं, वो आप, तो चलो आपको मैं आपको एक और बात बता देता हूं। आपने कोई भी इम्पोर्टेंट आज के बाद अपने कार्य क्षेत्र, बिजनेस के लिए जाना हो, मीटिंग के लिए जाना हो, आप नीले रंग की कमीज पहन के चले जाना, और मुंह में सिलेमन होता है, दालचीनी दालचीनी, दालचीनी वो डाल दालचीनी लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, कुछ राइट मत सर, करो। चलो थैंक यू सो मच सर। कैन आई गिव दिस टू माय ब्रदर आल्सो, क्योंकि ज्यादातर वही जाता है बेसिकली, तो जो भी जाना है इसको उसको ब्लू रंग की कमीज कर देना, पहना देना, ठीक स्काई ब्लू कलर की, चले राइट सर, जाए, मुंह में दालचीनी डाल ले और खाता रहे दालचीनी, दूसरा व्यक्ति उसका काम कर देगा और दो सवाल और पूछेगा, और क्या करूं भाई तेरे लिए, ठीक क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, वर्ड ऑफ थैंक्स इज वेरी वेरी लेस है। सर, ये नाग देवता की एनर्जी, ही विल बी अट्रैक्टेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, ठीक है गॉड टेक जी, केयर सर। सुनीता जी, आपका कोई सवाल है क्या? जी, आर यू मैं देयर सर ऑन? क्यों, हाँ गुड इवनिंग सर, जी, गुड इवनिंग मैम। सर ये क्योंकि मैं बीच में से, मेरे काफी सेशंस मिस हो गए ना, मैंने तो लास्ट टू ही किए हैं। नहीं, ये तो जो 45 एनर्जी ने तो पिछली क्लास में कराया और इस क्लास में कराया। अच्छा हाँ नहीं, मुझे थोड़ा जो क्योंकि पूरा प्रॉपर नहीं मैं समझ पा रही, मेरा मेरे को इससे नॉलेज नहीं है ना पूरी एस्ट्रोलॉजी की। जी, कोई बात नहीं, आप चेक कर सकते हैं फिर भी, कि अपनी एनर्जी फील्ड और ये सब जो भी थे, आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, वो सब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। सर, आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए ना करूंगी, पर अगर मुझे कोई, बहुत कोई नॉलेज नहीं है। हाँ सर, बात तो नहीं, इसलिए ये मैं वाला सुन जो के, वीडियो है ना, ये अभी YouTube पे आ जाएगा, आप सुन लीजिए इसको दोबारा, ठीक ओके ठीक है सर, है, थैंक यू सर, थैंक यू ये सो YouTube मच पे आ जाएगा। सर। अगर हम काम देने हो, जैसे कोई गाय का, जैसे कोई लाते हैं स्टैचू लगाते हैं, जब बुद्धा का स्टैचू लगाते हैं, उसकी भी दिशा होती है उसको लगाने के लिए, कि जैसे बुद्धा का स्टैचू लेकर आए हैं मेडिटेशन वाला, या कामधेनु का स्टैचू लेकर आए हैं, उसकी भी कोई पर्टिकुलर दिशा होती है जिससे उसे बेनिफिट मिल बिल्कुल, सके। मैंने अभी आपको बताया था ना कि कामधेनु कौन से ग्रह की दशा होती है, कौन सा प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, आपको भी इस पीपीटी में बताया था, याद है या नहीं है? चलिए, नहीं, दोबारा देख लीजिए और मेरे को बताइए। और गई नाग देवता की है, कामदेव, नागदेवता ठीक है, अट्रैक्शन है ये, ठीक है, तो यहाँ आप N2 में नॉर्थ नॉर्थ W में लगा सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कामधेनु की आप लगा सकते हैं, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे लोग आपके तरफ। और मेडिटेशन बुद्धा की सर, मेडिटेशन भी इसी में ही है, वो जो मेडिटेशन का जोन है ना, वो देखिए कि आपको कौन सा मेडिटेशन का जोन मैंने बताया था। 12th होता है देखिए, आपको मेडिटेशन का जोन, जो स्पिरिचुअलाइजेशन और वो सब, जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, वो कौन से जोन से मिलती है आपको, यहाँ एक बार चेक करिए आप, उस जोन अभी। में दिवाली पर भी। हर किसी ने कोई ना कोई ऐसी चीज बाय की होगी, मेरे साथ ऐसे बैठे हैं सभी,
बताइए यहाँ कौन सा आपको जोन नजर आ रहा है? क्लैरिटी ऑफ माइंड, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है क्लैरिटी मेडिटेशन का, ठीक है? और ये जोन कौन सा रिप्रेजेंट करता है? M8 और E1, यहाँ ये दो जोन आ रहे हैं। तो अब आप M8 में जाइए, ठीक है, और E1 में जाइए। E1 क्या है आपका? शिकी है, शिखी आइडिया विजन, इसमें आइडिया निकलते हैं, विजन निकलते ठीक हैं। है? तो शिकी में आप रख सकते हैं बुद्धा की फोटो, या तो इसमें रख दीजिए, ठीक है, जो शिकी जोन है आपका, इसमें आप रख सकते हैं, ठीक है? या फिर आप N8 आ रहा था, आप N8 में जाइए। N8 है आपकी दिति, दीदी दिति आपका जो जोन है बैंक बैलेंसेस बढ़ाने का जोन है, ठीक है? दिति बेसिकली आपको सब चीजें प्रोवाइड करता है, स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको हायर बैंक बैलेंसेस देता है, फीमेल्स को स्ट्रांग बनाता है आपके परिवार में, स्पिरिचुअलिटी देता है, सेक्सुअलिटी देता है और सेंसुअलिटी देता है, ठीक है? तो इसमें आप लगा सकते हैं ये बुद्धा एन की। एन एट में और E1 में, इन दोनों हाँ, तीन में और ना। आपको अगर रिलीजियस पर्पस के लिए चाहिए, मन की शांति के लिए चाहिए, तो आप सोमा में भी लगा सकते हैं, जो नॉर्थ जोन है, ठीक है? क्योंकि ये वाला जोन आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड भी देता है, स्ट्रॉन्ग माइंड देता है, आपको चीटिंग नहीं कराता, आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसको ये जोन बचाता है, M5, ठीक है? आपकी पार्टनरशिप नहीं टूटने देता किसी भी प्रकार की, और ये सोमा एनर्जीज है, ये आपको काम रखता है, रिलीजियस और स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ लेके चलता है, और नॉन एग्रेसिव होता है, ठीक है? तो ऐसे जो भी आपको जोन चाहिए ना दिनेश जी, आप उस चार्ट में जाइए, उस चार्ट में देखिए कि कौन सा जोन आ रहा है, आपको ये PPT मिल जाएगी, उस जोन के ट्रेड्स पढ़ लीजिए, वो आप देखें कौन सा देवता है, कौन से प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ है, दशा देखिए, वहां उस जोन को ट्रीट कर दीजिए, जो आपको 5 एलिमेंट्स थ्योरी बोल रखी है मैंने। हाँ, इसके लिए हमें जो 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 ऐसे चक्कर होता है जो जिससे हम डिग्री फाइंड कर सकें कि नॉर्थ वन की एग्जैक्ट डिग्री क्या निकल रही है, नॉर्थ फाइव भी, उसके लिए हमें ये चक्कर कितना चाहिए? मैंने ये चक्कर लिया अमेजोन से और बाय किया ठीक था। है, वो डिग्री वाला एक अलग चीज है कि आपके कौन से जोन में कॉल कर रहा है, आपकी एंट्रेंस कौन से जोन में है, ठीक है? वो एक अलग नहीं सर, चीज है। जैसे हर कोई फाइंड नहीं कर पाएगा ना कि जैसे मेरे घर का नॉर्थ फाइव क्या है, उसके लिए हमें उसकी डिग्री पता होगी तभी उसको फाइंड करेंगे हम सर। हाँ ठीक है ना, वो आप देख लीजिए, वो डिग्री का चार्ट भी तो मैंने पुराना आपको दे रखा है ना, कि हाँ ठीक है, हाँ बा उसमें वो भी दिख, वो डिग्री भी का ठीक है, चार्ट भी हाँ तो मैंने आपको दे रखा है कि कौन से बिल्कुल जोन की कितनी बिल्कुल डिग्री की है, तो ठीक है सर, हाँ यस याद आ गया, वो भी आपको, थैंक आपको जो सी जोन यू में सर, वो भी तो दे रखी है मैंने, उसमें से डिग्री फाइंड जी कर सर, लीजिए कि जी आपकी सर, कौन सी थैंक डिग्री में वो जोन आ रहा है, तो यू, वैसे आप ठीक है ट्रीट कर लीजिए, ठीक है जी? ठीक है सर, थैंक यू सर, चलिए, शुक्रिया। और अब आपकी एक लास्ट क्लास है, होम क्लास 5 नवंबर के बाद लेंगे, आपकी रेमेडीज की है, तो ये अब आपका 45 देवताज कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद एक फाइनल क्लास है जो हम रेमेडीज की ले लेंगे, उसके बाद ये रिस्ट वॉच आपका कोर्स ये खत्म हो जाएगा, ठीक है जी? चलिए, ठीक ओम नमः शिवाय, शुक्रिया, गुड है नाइट, सर, शुभ शुक्रिया, थैंक यू रात्रि, सर, एंड थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मच, सर, थैंक प्रणाम यू, सर, थैंक बाय। यू सर।